السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. आवाज क्लियर है मेरी? जी ठीक है। हम जो पढ़ रहे थे अद्दरसुस सामिन आशर, 18वां सबक, वो मुकम्मल हो गया था। आगे उसकी तमरीन चल रही थी। तो हमने जो पहली तमरीन कर ली थी हल और दूसरी भी, तो अब ये जो तीसरी तमरीन है इस बारे में वो ये कहते हैं कि यस अलुल मुदर्रिसु कुल्लम मिन अत्तुल्लाबि हादा सुआल। मुदर्रिस हर तालिब इल्म से ये सवाल करे, मादा युरीदु हाउला इत्तुल्लाबु, कि ये तुल्लाबुल इल्म क्या इरादा रखते हैं, क्या चाहते हैं। तो हर हर तालिब इल्म जो है वो यहाँ पे ये जवाब दे। وَيُجِيبُ الطَّالِبُ وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَيْ، यहां से आगे फिर जो नीचे जुमले दिए हुए हैं उनके मुताबिक जवाब देना है। जैसे मिसाल के तौर पे वो ये कहे هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَذْهَبُونَ إِلَى الْمَلْعَبِ، क्या माना है इसका? जी, खेल के मैदान में। इसने पूछा हुआ कि ये पहली तमरीन में जब बनात जमा है तो तुरीदु वाहिद क्यों है। जी, कौन देगा इसका जवाब? तुरीदु जमा है? जी हाँ,
जब फेल पहले आ जाए और उसका फाइल जो है वो इसम जाहिर हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल उसका इसम जाहिर है, तो इस सूरत में यानी फेल जो है वो भी वाहिद ही आएगा, मुजक्कर के मुताबिक मुजक्कर और मुअन्नस के मुताबिक मुअन्नस तो होगा, लेकिन होगा वो वाहिद ही। वाजे जैसे मिसाल के तौर पे जा अल मुस्लिमूना, अब मुस्लिमून जमा है लेकिन फेल उसका वाहिद ही है, इसलिए क्योंकि जो फेल का फाइल है वो बिल्कुल जाहिर है यानी अल्फाज में मौजूद है। अगर तो होता ना कि फाइल इसम जमीर के तौर पे होता, फाइल इसम जमीर के तौर पर होता, यानी जिस चीज के बारे में आपने बताना है फेल का, वो चीज और वो नाम पहले गुजर चुका है और अब आपने जमीर के जरिए उसकी तरफ इशारा करना है, तो उस सूरत में यानी फेल जो है वो वाहिद तस्निया जमा होता रहेगा, यानी अगर फाइल जो है वो तस्निया है तो फेल भी तस्निया यानी जमीर उसकी, जैसे मिसाल के तौर पर अल मुस्लिमूना वरबू, सही है, या अल मुस्लिमूना जाऊ, उसका मतलब क्या है कि यहां पर फाइल जमीर के तौर पर है, तो जब फाइल जमीर के तौर पर है उस वक्त फेल जो है वो तस्निया जमा वाहिद सबके मुताबिक होगा, और अगर फाइल इसम जाहिर हो जैसे यहां पर है तो उस वक्त यानी जो फेल होगा वो हमेशा वाहिद होगा। वाजे जी, आपसे पूछा जाए माजा युरीदु हाउला इत्तुल्लाबु, तो आप क्या जवाब देंगे? जी, इसी में से। हाँ जी, माना क्या है इसका? हॉस्टल्स में। स्क्रीन शेयर हो जाएगी, किताब है जी। जी यहाँ तो 125 है, वहां पे शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन ये मुझे दिखाएं। हो गया एरो कैसे यहां से? ठीक है जी। जी
जी आपने जवाब दिया युरीदूना अय्यज़हबू, हाँ, उला युरीदूना अय्यस्कुनूना फी महाजिल जामिया। महाजे जिसका मतलब होता है हॉस्टल्स, महजाउन इसकी वाहिद है और महाजे ये जमा है। जी आप बताएं मादा युरीदु हा उला इत्तुल्लाबू। जी क्या माना है इसका? हा उलाई का माना है ये लोग, ये लोग ये चाहते हैं कि पहली सफ में बैठे। आप बताएं खवातीन में से मादा युरीदु हा उलाइक तुल्लाबू। सानिया थी, क्या माना? सेकंड पीरियड के बाद अलहिस्सा पीरियड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऑनलाइन वालेकुम स्टूडेंट्स को अस्सलाम। आवाज़ ही नहीं आ रही, वहाँ वाले स्टूडेंट्स की तो हम समझ नहीं पा रहे ऑनलाइन। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी तो आ रही है लेकिन जो वहाँ पे स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चल अच्छा रहा। ठीक है, आप लोग माइक में बोले हैं जो ऑन कैंपस वाले हैं। जी अगले अगला सवाल मादा युरीदु हा उलाए तुल्लाबू, तो आप क्या जवाब देंगी? अच्छा जी सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं सवाल है ना मादा युरीदु हाउला एक तुल्लाबू, तो आपने जी जी वही पढ़ के बताने हैं लेकिन जुमला सही तरतीब देना है और वो ब्रैकेट में उन्होंने वो भी बताया हुआ है हाउला युरीदू ना। तो लाभ की जरूरत नहीं है। हाउला युरीदूना अन यफ्तहून नवाजिजा। तो फिर अर्जी होगा कि युरीदूना जमा नहीं आएगा, फिर युरीदू वाहिद आएगा क्योंकि फाइल इसम जाहिर हो जाएगा। तो फिर कहेंगे हाउलाई, यानी हाउलाई जब आ गया तो मतलब आपने जमीर इस्तेमाल कर दिया, अब दोबारा तकरार नहीं हो उसका होगा उसका। अगर हाउलाई के बगैर आप कह रहे हैं तो फिर युरीदूना की जगह युरीदू, यानी युरीदु तुल्लाबु अन याखुज़ूना हाज़िहिल मजल्ला इला बुयूतिहिम, या कोई भी। सर यहाँ नून नहीं ड्रॉप होगा हाँ ये एक्स। हाँ वो भी मैं ये देख रहा था कि यानी जब अन शुरू में आ गया तो इन्होंने नून को हजफ कर देना चाहिए था लेकिन इन्होंने नून को हजफ नहीं किया। तो हमें हजफ करना चाहिए या नहीं? हजफ हजफ जो है ना वो यानी क्या कहते हैं आप लोग करेंगे, सही है, क्योंकि आप लोगों ने इसकी इसकी प्रैक्टिस करनी है ना कि ये मतलब जब अन शुरू में आ जाएगा तो नून जो है नून नून एराबी वो गिर जाएगा, सही है। तो आप लोग जब जवाब देंगे इसका तो नून एराबी हजफ करके जवाब देंगे। जी अगला सवाल मादा युरीदु हाउलाए तुल्लाबु, क्या जवाब देंगी इसका? युरीदुना हा उलाई अन याखुजू हाजिहिल मजल्लाती इला बुयूतिहिम। जी हाँ, युरीदूना अन याखुजू हाजिहिल मजल्लता इला बुयूतिहिम, क्या माना है इसका? ये कि वो लें, हाँ ये कि वो ले के आए ये मजल्ला इला बुयूतिहिम अपने घरों की तरफ। अखज़ या खुजू का माना होता है लेना, ठीक है, कोई चीज पकड़ना हासिल करना, लेकिन जब अखज़ या खुजू के बाद आ जाए ना हर्फ जर, सही, जैसे यहां पर आया या खुजूना इला बुयूतिहिम,
तो अब इसका माना होगा लेकर जाना, ठीक है। ये वही बात है जो हम नसाई में भी पढ़ते रहे हैं कि फेल लाजिम होता है, लेकिन फेल लाजिम के बाद जब हरफे जर आ जाए तो वो मुतादी बन जाता है। जैसे जा अ माना आना, और जा अब ही माना लाना। सर, नून अरबी ड्रॉप होने के बाद अलिफ ज्यादा क्यों, ज्यादा जो होता है वो क्यों लगता है, उसकी क्या वजह होती है? क्या सवाल है? नून अरबी को जब ड्रॉप कर देते हैं तो फिर अलिफ भी तो लगाते हैं उसके बाद, तो उसकी अलिफ लगाने की वजह क्या होती है, या बस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस क्या है? जो अलिफ आता है ना वो अलिफ होता है जमा के सीगे की अलामत, सही है। जमा में आता है ना जैसे दौराबू वाओ, तो उसके वाओ के बाद एक अलिफ लगाया जाता है, उस अलिफ को ना पढ़ा जाता है ना उसका नुत्क होता है, वो बस एक अलामत के तौर पे लगाया जाता है कि ये सीगा जमा का है, वो अलिफ लगाया जाता है, वो जमा के सीगा की बताने के लिए लगाया जाता है। नहीं नहीं घरों की तरफ ले जाएं, घरों की तरफ ले जाएं। तो ये मतलब यानी ये सारी जो जुमले हैं इसमें आप लोगों ने यानी मुनासिब तरतीब से जवाब देना है और नून इराबी को गिराना है, सही है। इन्होंने तो लिखा हुआ है लेकिन यानी गालिबन इसका मतलब मकसद ही यही है कि आप लोग जब जवाब देंगे तो उसमें यानी नहव के एतबार से आप नून इराबी को हजफ करेंगे, क्योंकि अन शुरू में आ गया तो अन जो है वो नून इराबी को गिरा देता है। जैसे पूछा जाए माजा यूरीद हा उलाई तुल्लाबू, तो जवाब दिया जाएगा कि यानी हा उलाई यूरीदूना अन यक्रउल कुरआना, या हा उलाई यूरीदूना अन यदखुलुल मक्तबता। बाजे नहीं, वाओ तो बरकरार रहेगा ना, वाओ तो जमा का है, सिर्फ नून इराबी गिरेगा। अय यदखुलुल मक्तबता, जैसे पीछे आपने सबक में पढ़ा था अय यदहबू, सही है। तो वहां पे ये बिल्कुल एक वाजे नाम लिखा हुआ है, ये आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। जी जी, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ये देखें अरादु अन यज़हबू अल यौमा इलल मुतहफ। तो यहाँ पे देखें कि ये था यज़हबूना, ठीक है, जमा का सीगा, लेकिन जब शुरू में अन आ गया तो इस अन ने क्या किया कि आखिर से नून इराबी को गिरा दिया। ये किसने किया है? कैसे होता है ये? आप लोग अपने जो है ना वो जरा ऑफ कर दें, स्क्रीन शेयर या जो भी होता है। ये कैसे कैसे गिरेगा ये? अब हटेगा सर, ये जिन्होंने भी किया है उनके पास एक रबर होगा, वो उसके ऊपर लगा फेरेंगे इरेजर तो ये साफ हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने किया वो ही कर सकती हैं या कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में तो वैसे एक से बढ़कर एक ना लतीफे आते हैं। जी मसला कुछ तो ऐसे जो बयान नहीं किए जा सकते। चले अगली तमरीन उसको देखें। सर यदरिबूनी का तो बता दें, ये जो
یغسلون وجوہہم کے سامنے جو لکھا ہوا ہے یضربون. اب صحیح ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے, کیا سوال کیا تھا آپ نے ابھی؟ سر یضربوننی کا بتا دیں کہاں پہ ہے. یضربوننی, یہ اس کی عام حالت ہے جمع کی, جب اس سے پہلے ان لگا دیں گے تو ابھی آپ کو دو نون نظر آ رہے ہیں نا, ایک نون ہے جمع کا اور دوسرا نون ہے ضمیر کا. صحیح ہے, تو جمع والا گر جائے گا, ضمیر والا برقرار رہے گا. اب بنے گا این یضربونی, یہ جو جملہ ہے تو اب جملہ بنے گا ہا اولائی یریدون این یضربونی. یہ بھی اسی طرح, یعنی نون جو ہے جمع کا وہ گرا دیں گے تو اب بنے گا ہا اولائی یریدون این یسالوک سوالا, کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے سوال کریں. جی ہاؤلاء یریدون ان یضربونی, یریدو ہی کیوں یوز کریں گے, اب ہم تو مخاطب ہوئے تو پھر غائب کے سیگے سے جواب کیوں دینا ہے, سوال ہم سے کیا جا رہا ہے. آپ سے سوال نہیں کیا جا رہا, یعنی یعنی ایک طور پہ تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے, لیکن جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ غائب ہیں طلاب کے لیے, تو اس لیے آپ جو ہے وہ غائب کے سیگے استعمال کریں گے. جی وہ اس کی عام حالت ہے, یعنی ان کے بغیر جب ان لگ جائے گا تو نون اعراب بھی گر جائے گا. سر میرا سوال ہے, اگر ہم اسی طرح بول دیں یریدو ہاؤلاء الطلاب اور پھر آگے اس کا آنسر دے دیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے؟ یعنی کس طرح؟ جیسے عبارت میں لکھا ہے ماذا یریدو ہاؤلاء الطلاب, اگر ہم ادھر سے عبارت اٹھا لیں یرید ہؤلاء الطلاب ان یضربونی, اس طرح ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو یہ بھی صحیح ہے, لیکن اس میں یعنی جواب میں جو ہے نا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں یریدو کا لفظ آئے, اگر تو یریدو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یرید ہؤلاء الطلاب ان یدخلوا المکتبہ یا اس طرح کر کے, اگر اس طرح ہے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا یہ یریدو کا ہونا یا نہ ہونا اس کا بھی ایک مقصد ہے, اس کے بارے میں الگ سے تمرین آ رہی ہے آگے کہ یہ کیوں آتا ہے. صحیح ہے, ہؤلاء یریدون ان یلعبوا فی الملعب. جی ہاں ٹھیک ہے سر, یہ کوسچن تھا سب سے پہلے یاخذون ھذہ المجلۃ, تو یہ ھذہ المجلۃ یہ مفعول کے طور پر اس میں اشارہ مشار الیہ کہلائے گا یا اس کا یہ فائل مطلب ظاہر نہیں ہے؟ یہ ھذہ المجلۃ یہ اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مفعول بنے گا, کیونکہ معنی بھی مفعول والا, یہ کہ وہ لے کر جائیں. ھذہ المجلۃ یہ مجلہ, تو معنی بھی مفعول والا ہے اور یہ اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ مفعول بنے گا. یاخذونہ کا سر؟ جی یاخذونہ کا. جی یشربون القہوہ, اس کا کیسے بنائیں گے پورا جملہ؟ سوال کیا جائے ماذا یریدو ہؤلاء الطلاب تو کیا جواب دیں گے؟ یشربو القہوہ, ہؤلاء یریدون ان یشربو القہوہ. یزورون المدیرہ. جی کیا بنائیں گے یزورون المدیرہ کا؟ ہؤلاء یریدون ان یزور المدیرہ. ٹھیک ہے, آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ لوگ دیں گے جواب؟ ٹھیک ہے, ماذا تریدون بعد هذه الحصہ, کیا جواب دیں گے آپ؟ لیکن اپنے بارے میں جواب دینا ہے, غائب کی آپ صیغہ استعمال نہیں ہوگا. ماذا تریدو, کیا پوچھا تھا میں نے؟ ان تفعلوا بعد هذه الحصه, سر نحنو یوز کریں گے یہاں پہ, نحنو یا انا جو بھی.
पहले आप उर्दू में सोच लें आपने करना क्या है, उसके बाद फिर उसकी अरबी बनाइएगा। शेख अगर तखसुस करना हो हमने इसके बाद तो आना उरीदू, तो इसके बाद क्या आएगा? अगली अगला अगला जो सब्जेक्ट आपका कौन सा है जिसमें करना है तखसुस? हदीस है ना जी, नहनु नुरीदु अन नकरा अल हदीस। भैया ठीक, اريد ان اصلي ان اصلي المغرب حتى الان ما صليت وقد تجاوز الوقت يا ہو سکتا ہے جگہ تبدیل ہو ٹھیک ہے جی 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 عفوا اچھا آپ کو میں بتاؤں میں بھی نا کوئی عربی میں فلوئنٹ نہیں ہوں تو ابھی جیسے ہم جیسے مکالمہ کریں گے نا تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا کوئی میں جیسے بہت زیادہ عربی میں فلوئنٹ نہیں ہوں تو اس لیے ہم دونوں کا اس میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو ہماری کوشش بھی ہوگی کہ آپس میں محادثہ بھی ہو عربی میں ٹھیک ہے اريد ان اشرب الشاي مع الكيك کیک کو ویسے عربی میں کعک بولتے ہیں کعک کیونکہ عربیوں کو جو نا عین استعمال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے عین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں عربی تو کیک کو انہوں نے کاک بنا دیا ٹھیک ہے چلیں اگلی تمرین کی طرف آ جائیں ذرا تأمل ما یلی جو نیچے آ رہا ہے اس پر ذرا غور کرو ابھی سارے جملے انہوں نے لکھے ہوئے جیسے ہوا یذهب اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ہوا یرید ان یذهب ہی تذهب یہ وہ فرق ہے جو آپ کو ہم نے کہا تھا نا کہ اراد یرید جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہوا یذهب اس کا معنی کیا ہے وہ گیا وہ جاتا ہے یا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر ایک جملہ ہو اس میں استعمال کیا جائے ہوا یرید ان یذهب وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے ٹھیک ہے یہ معنی ہے تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا یرید اس کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اس کلام میں ایک تاکید پیدا ہو جائے ٹھیک ہے ایک تاکید پیدا ہو جائے خالی کہا جائے ہوا یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا تو اس میں جو ہے وہ یعنی ہے تو یہ بھی کلام مثبت اور خبر دے رہا ہے کہ وہ جائے گا لیکن اگر یہ کہا جائے ہوا یرید ان یذهب وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ جائے تو اس میں اس کی مشیت اور ارادے کا ذکر کر دیا گیا کہ واقعتاً وہ ایسا چاہتا ہے اور وہ ایسا کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ استعمال ہوتا ہے اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے ہوا یذهب تو اس کے جواب میں کہا جائے گا ہوا یرید ان یذهب اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس میں یعنی سیگوں کا خیال رکھنا ہے یعنی واحد مذکر غائب ہے تو واحد مذکر غائب کا سیگا جیسے مثال کے طور پہ آگے واحد مؤنث غائب ہے تو واحد مؤنث غائب کا سیگا تو سیگوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ صرف پڑھتے ہیں نا صرف صحیح ہے تو صرف میں آپ لوگ بہت زیادہ محنت کیا کریں اور رٹا کریں اس کو ہم لوگ جب کہتے ہیں نا رٹنے کا تو اکثر ہمیں جواب ملتا ہے کہ بھئی رٹنے کا کیا فائدہ سمجھ لو بس کافی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ رٹیں گے نہیں صرف سمجھنے پر اکتفا کریں گے نا تو آپ کو پھر عربی بولنے میں لکھنے میں پھر یہ نقصان ہوگا پھر آپ سوچتے رہیں گے یہاں پہ یریدو استعمال کرنا ہے کہ تریدو یا نریدو یا یریدونا پھر آپ یہی سوچتے رہیں گے تو اگر آپ نے رٹا ہوگا سیگوں کو کہ یہ سیگا فلاں کا ہے اور یہ سیگا فلاں کا ہے تو آپ کو فوراً جواب آ جائے گا چاہیے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ صرف میں بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے سیگوں کی شناخت میں خاص طور پہ جی وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ یشربو ہوگا یا یشربو شریب یشربو باب آتا ہے سمیع یسمعو کے بدن پر جی
एक जुमला आपसे कहा जाए हुआ यक्रऊ, तो इसका किस तरह बनाएंगे? युरीदु अन यक्रा, ठीक है। इसी तरह हिया तस्माऊ, या तुरीदु, क्योंकि वाहिद मुअन्नस गायब का जो सीगा आता है वो क्या है? सेम तुरीदु, सही है तुरीदु। ये जो सीगा है तुरीदु, या अगर आसान बाब में जाएं तो तंसुरु, तजहबु, तजरीबु, ये जो सीगा है ये मुश्तरक है दो अल्फाज में, ठीक है। कौन कौन से? वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुजक्कर मुखातब, ठीक है। दोनों के लिए आता है, यानी अगर तंसुरु कहा जाए तो ये वाहिद मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल होता है ही या तंसुरु, और वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए भी इस्तेमाल होता है अंत तंसुरु, सही है। फिर कहां पर किसके लिए इस्तेमाल होगा वो सियाक व सबाक से हमें पता चल जाएगा। यानी मुजक्कर में और मुअन्नस में दोनों सेम यूज होते हैं सर, है ना? जी, ये लफ्ज वाहिद के अंदर से, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुजक्कर हाजिर या वाहिद मुजक्कर मुखातब, इन दोनों में मुश्तरक है। फतहा क्यों है यज़हबा पर? जी, अन की वजह से, अन की वजह से, अन जो है वो नसब देता है जी, फेल फेल पर ही आता है, फेल मुजारे पर, फेल मुजारे पर आता है, नसब देता है आखिर में, और जहां नून इराबी होता है वहां से नून इराबी को गिरा देता है और नून निस्वा को बरकरार रखता है। क्यों? क्योंकि नून निस्वा जो नून है वो मबनी है, वो कभी नहीं गिरता, उस पर कोई भी आमिल आ जाए वो कभी नहीं गिरता। जैसे अन यज़हबना, बा ऊपर वाले सीगे जो थे वो यानी सिंगुलर के थे, अब जमा के हैं। हुम यज़हबूना, ठीक है, इसका किस्सा बनेगा हुम युरीदूना अन यज़हबू, अंतुम तज़हबूना, इसका बनेगा अंतुम तुरीदूना अन तज़हबू, या अंती तज़हबीना अंती तुरीदीना अन तज़हबी। इसके अल्फाज अगर हम चेंज करें तो आपसे अगर पूछें तो आप लोग उसको इंशाल्लाह बताएंगे। जी आप बताएं, हिया तज़रीबू, हिया तुरीदूना, नहीं तुरीदूना जमा नहीं, तज़रीबू का वजन है हिया तज़रीबू, तो इसका आप इस तरह बनाएं हिया तुरीदु अन तज़रीबा, ठीक है, हिया तुरीदु अन तज़रीबा। ठीक है, हिया तुरीदु अन तज़रीबा। जी हुम यंसुरूना, आप बताएं, हुम युरीदून अन यंसुरु, ठीक है, आप बताएं, हिया तस्माउ, हिया तुरीदु अन तस्मा, ठीक है। हुआ यफ्तहु, हुआ युरीदु अन यफ्तहा, ठीक है। हुम यज़हबूना, जमा युरीदूना अन यज़हबू, हुम युरीदून अन यज़हबू, ठीक है। ऑनलाइन से भी पूछते हैं,
आप लोग हाथ खड़ा करें ना। जी आप बताएं तौकीर फातिमा। हुम यद्रिबूना, हुम यद्रिबूना बोला जी, हुम यद्रिबूना, हुम युरीदूना अई यद्रिबू। ठीक है जी, एक और पूछूं। अच्छा हिया तखुदु, हिया तुरीदु अई तखुदा। किसने बताया ये? ऑनलाइन से? अच्छा चले ठीक है, बताएं आप। हिया तस्कुनु, हिया तुरीदु अन तस्कुना। ठीक है, आप बताएं। हमना खान, नहनु नज़हबु, नहनु नुरीदु अन नज़हब, अन नज़हबु, अन नज़हबा, नहनु नुरीदु अन नज़हबा। जी आप बताएं। लाइबा एंड इकरा, हाँ आप बताएं। अंतुम तशरबूना, अंतम, अंतुम तुरीदूना अन तशरबू। जी अंतुम तुरीदूना अन तशरबू। अच्छा ये जो तमारीन है ना, ये एक तो जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके लिए थोड़ा सा आपको, यानी जैसे इन्होंने कहा है ना तअम्मल, थोड़ा सा आपको गौर फिक्र भी करना पड़ेगा, तो आप लोग जरा इस पे गौर भी कीजिएगा, और उसके बाद फिर मजीद प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हम इसकी करेंगे। तो इसमें आप लोगों ने बस यही गौर करना है कि सीगे के मुताबिक फेल तब्दील होगा, सही है, सीगे के मुताबिक। जैसे जैसे जमीर है हुम, तो हुम जमीर अब जमा की जमीर है, तो इसके लिए फेल भी जो आएगा वो जमा के लिए आएगा, सही है। और जब मुजक्कर है तो फेल भी मुजक्कर के लिए आएगा, सही है। और ये जमीर गायब की है तो फेल भी गायब के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि जमीर भी जो है वो गायब की भी होती है, हाजिर की भी होती है, सही है। याद है आप लोगों को जमाइर? जी सर। गायब के जमाइर कौन से हैं? हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुया, हिया, हुमा, वाहिद तस्निया जमा, यानी मुजक्कर के हुआ, हुआ, हुमा, हुन्ना, ये गायब की हैं, और मुखातब की अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अनाना। ठीक हो गया, सही है। तो ये जमीर है वाहिद की, और मुतकल्लिम की कौन सी है? अना और नहनु। ठीक है, अल्लाह शेख आप खुद म्यूट कर दें सबके माइक। नहीं म्यूट तो मैं कर रहा हूँ, म्यूट ऑल, इस तरह नहीं, दूसरी तरह सेटिंग्स में जाके कि कोई खुद अनम्यूट। कर दिया ना, हो गया मेरे ख्याल। ठीक है, हुन्ना यधबना, यहाँ पे ये जमा मुअन्नस के अल्फाज हैं। हुन्ना यधबना, हुन्ना युरिदना अन यधबना, सही है, या अंतुन्ना तधबना, इसका बनेगा अंतुन्ना तुरिदना अन तधबना। जी हुन्ना यद्रिबना, इसका किसना बनेगा? हुन्ना युरिदना अन यद्रिबना, ठीक है। हुन्ना यशरबना, ठीक है। अंतुन्ना तक्तुलना, ठीक है, लड़ाई का इरादा रखती हैं।
जी नून निस्वा है ये कभी नहीं गिरेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अन आया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नून निस्वा जो है नहीं गिरा। अच्छा, इसमें एक और बात समझने वाली है, वो ये कि अक्सर जो गलती होती है ना सर्फ में, वो वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में भी होती है। वाहिद मुअन्नस हाजिर, इसका सीगा किस तरह बनेगा? जहब यजहबू से बनाए, यजहबू से, यजहबू से वाहिद मुअन्नस मुखातब किस तरह बनेगा? नहीं, तज़हबीना जो वाहिद मुअन्नस मुखातब है उसके आखिर में भी नून आता है, लेकिन वो या नून होता है। तज़हबीना, तंसुरीना, ठीक है। तो इसलिए अक्सर तलबा यहाँ पर भी ये समझते हैं कि ये जमा का सीगा है, क्योंकि नून आ रहा है आखिर में, तो ये जमा का सीगा हरगिज नहीं है, बल्कि ये वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा है। तो इस पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अच्छा, कल जो है ना, कल है ना क्लास, कल आप लोग ना मुझे ये मुजारे की गर्दान सुनाएंगे, पता है ना, यानी 14 सीगे बनते हैं जो, सही है। तो ये आप लोग मुझे मुजारे की गर्दान सुनाएंगे, और मैं किसी भी लफ्ज से सुन सकता हूँ, यजहबू से भी सुन सकता हूँ, या खुजू से भी सुन सकता हूँ, या सुकुनू से भी सुन सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये कल मुझे सुनाएंगे इंशाल्लाह, ऑनलाइन भी, बिल्कुल ऑनलाइन भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। सुभानकल्लाह। और सीगो की शनाख्त के साथ, यदि आपको पता हो कि ये सीगा किस चीज का है, ये जरूरी है जी। तस्निया के बगैर क्या मतलब? अच्छा, तस्निया का मुआफ था, ये मुझे समझ नहीं आया मुझे। अच्छा चले, नहीं, तस्निया का सीगा भी जरूरी है। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, कोई यानी कोई मुश्किल नहीं है इसमें, यानी आप लोग जब एक दफा गौर करेंगे आपको समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना तस्निया में, आपने बस अलिफ नून लगाना है। चले, सुभानकल्लाहु व बिहमदिक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت، وہ یہ کہ موضوعوں پر مسح کے بارے میں ہم نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا، میں اس کی وضاحت صحیح نہیں کر سکا تھا اور ممکن ہے کہ کچھ غلط فہمیاں بھی رہی ہوں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ بلکہ جو مسئلے کی درست صورتحال ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، پورا وضو کرنے کے بعد آپ موزوں کو پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، موزوں کو چڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، اور آپ نے یا قضاء حاجت کر لی یا کوئی معاملہ پیش آ گیا، لیکن آپ نے موزے اتارے نہیں. فجر کی نماز کے لیے جب آپ نے وضو کیا، موزے پہن لیے، اس کے بعد آپ نے موزے اتارے نہیں، درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، قضاء حاجت کر لی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز کے لیے جب آپ وضو کریں گے تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ موزوں کے اوپر مسح کریں گے، ٹھیک ہے. موزوں پر مسح کرنے کے بعد، ابھی آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے، موزوں پر آپ نے مسح کیا ہے، درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، اب موزوں پر مسح کرنے کے بعد آپ ابھی موزے اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ نے جب موزے پہنے، طہارت کی حالت میں پہنے، درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، قضاء حاجت کر لی، اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے وضو کیا، موزوں پر مسح کیا، ابھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے موزوں کو اتار سکتے ہیں کہ نہیں اتار سکتے؟ جی ہاں، اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، موزوں کو اتار سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے پہنا تبھی طہارت کی حالت میں، جب آپ اتار رہے ہیں تبھی طہارت کی حالت میں، اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ جو ہے مجھے بیان کرنا تھا، لیکن اس میں بیان کرنے میں مجھ سے شاید کچھ غلطیاں ہوئیں، تو میں اس کو صحیح سمجھا نہیں سکا. اس کی صورت یہی ہے کہ جب آپ نے موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا، درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں اور موزوں پر مسح کرتے ہیں، موزوں پر مسح کرنے کے بعد آپ ابھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے موزوں کو اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتار سکتے ہیں، بھلے آپ کا درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تھا، اتار سکتے ہیں. جی ہاں، وہ جو آپ میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اتار کے فوراً پہن لے، تو یہ حالت طہر نہیں ہوگی، اس میں وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ جو ہے وہ وضو ٹوٹ گیا، اتار کے فوراً دوسرا پہن لیتے ہیں، تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. اس میں اگر میں غلطی پر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ میں رجوع کر لوں، کیونکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والے، یعنی جو انسان کسی کو فتویٰ دیتا ہے یا کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن کر کے دے رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے. اب اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو اپنے اوپر جو نا وہ سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا. تو اگر کہیں سمجھانے میں انسان سے غلطی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسے رجوع کر لے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ خفت کی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء علامہ البانی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی کہ کسی حدیث کو انہوں نے صحیح کہا، کسی کو ضعیف کہا، لیکن بعد میں رجوع کر لیا، کیونکہ مسئلے کو غلط بیان کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ بندہ سوچے کہ شاید اس میں میری خفت ہوگی، لوگ کہیں گے اس کو کچھ نہیں آتا. لوگ سوچتے رہیں جو مجھے آتا ہے وہ مجھے معلوم ہے، جو مجھے نہیں آتا اس میں جو نا وہ جھوٹی شان اور جھوٹی کوئی انا نہیں ہے. تو اگر کہیں غلطی ہو بھی جائے اور اگر کوئی میری اصلاح کر دیتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ
रहम अल्लाह उमरान अहदा अलैया उयूबी, कि अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम करे जो मुझे मेरा ऐबों का तोहफा दे, मुझे बताए कि आपके अंदर ये ऐब है, ये बुराई है, यहाँ पर आपने गलती की है। तो अल्लाह ताला उस बहन को जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने इस पर तंबीह की और मैंने इस पर रुजू किया, इस पर इस मसले पर, और जब मैंने तहकीक की तो मुझे ये पता चला कि मैंने उसको बयान करने में उस मसले को वाज़े नहीं किया था। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल जैसे जोहर की नमाज उन्होंने पढ़ ली, उसके बाद मोजे उतार दें, वजू उनका बरकरार है, बरकरार है, दोबारा मोजे चढ़ा ले, वजू बरकरार है। अब तीसरी नमाज का वक्त हो रहा है तो उस वक्त भी मोजों पर मसह करना चाहें तो कर सकते हैं, दरमियान में भले मोजे उतार दिए थे। जी हाँ, तहारत के अंदर ही जी। इलामुल मुवक्किईन क्या कह रहे हैं? हाँ, वो उसका नाम यही है, तराजुल अल्लामति अल अल्बानी रहिमह, तराजु यही है, तराजु जी हाँ। العلامة الألباني جی جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پڑھیے بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله اما بعد القول بعد الفراغ من الوضوء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء صحيح اب یہ حکم کہاں ہے علامہ البانی نے منکر کا حکم لگایا کس حدیث پہ لگایا وہ تو آگے آ رہی ہے نا یا پیچھے کوئی حدیث گزری ہے اسکرین پر شیئر کر دیں اسکرین پر یہاں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا پی ڈی ایف میں جی ابھی جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 148 القول بعد الفراغ من الوضوء وضو سے فارغ ہونے کے بعد کچھ کہنا القول کچھ جملے یا دعا وضو سے فراغت کے بعد کہنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء جس نے وضو کیا بس اچھے طریقے سے وضو کیا ثم قال پھر اس نے کہا اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں فتحت لہو اس کے لیے کھول دیے جائیں گے تب اب ثمانیت ابواب الجنت جنت کے آٹھوں دروازے یدخل وہ داخل ہوگا من ایہا شاء ان میں سے جس سے چاہے گا من ایہا جس سے شاء وہ چاہے گا جس سے وہ چاہے گا اس حدیث میں سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے اس دعا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ آٹھ ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور
ऐसे नहीं कि ये हर एक बंदे को जन्नत के आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा, बल्कि जिस बंदे का जो अमल जितना ज्यादा रहा होगा, जिस बंदे का जिस अमल के साथ ताल्लुक जितना मजबूत होगा, तो इसी एतबार से उसको उस दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो कसरत से नमाजें पढ़ता होगा तो बाबू सलात से, कसरत से रोजे रखता होगा, सारे अमल कर रहा है, लेकिन एक अमल जो कसरत से कर रहा है तो उसी अमल के लिए जो दरवाजा है तो उसको वहां से बुलाया जाएगा। लेकिन बंदे को जिस दरवाजे से बुलाया जाएगा, जिस अमल के साथ जितना उसका ताल्लुक होगा, तो उसको उसी ही दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी और दरवाजे से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। हाँ ये है कि जिस बंदे ने वजू के बाद ये दुआ पढ़ी तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अच्छा, हदीस के अंदर एक दूसरी बात यह है कि फुतिहत लहू, उसके लिए फुतिहत, ये माजी है या मुजारिया है? माजी है, तो माना क्या होगा? तो हम माना क्या कर रहे हैं? खोल दिए जाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? मुस्तकबिल में उसका वकूफ पजीर होना इतना यकीनी है कि जिस तरीके से गोया कि वो हो चुका है। हम दुनिया में जब खबर देते हैं ना, फुला ने ये काम कर लिया, तो उसे करने में तो कोई शक नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा, कर लिया तो अब हो गया। जी हाँ, तो ये हदीस के अंदर अरफात इस्तेमाल करके और ये बताएगा। लेकिन कुछ रिवायात में पता चलता है, अगर तमाम रिवायात को देखा जाए, तमाम जखीरे हदीस को देखा जाए, तो पता चलता है कि जो जन्नत के दरवाजे हैं वो 13 दरवाजे हैं। कुछ और के लिए भी हदीस में जो वो इस्तेमाल हुआ, इस पर पूरी तहकीक की गई है। तो ये भी मुमकिन है कि जन्नत के बड़े बड़े दरवाजे 8 हों और बाकी कुछ छोटे दरवाजे हों। कुरान करीम में जिस तरीके से ना नुफिखा फिस्सूरी, सूर के अंदर फूंका गया, हालांकि अभी फूंका नहीं गया, फूंका जाएगा, क़यामत अभी नहीं आई, लेकिन फिर भी मादी का सीगा इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसका वुकू पजीर होना इतना यकीनी है गोया के वो हो चुका है। इसलिए जी क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो तो काफी मुफसल है और उसको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, वो सिर्फ एक ही बंदा पढ़ेगा। यानी ये जो हो, ये अल्लामा सिंधी रहमहुल्लाह का हाशिया है जलालुद्दीन सुयूती का, तो वो ये कुछ हाशिये दिए हुए हैं। वुजू करने के बाद शहादत की उंगली उठाकर और आसमान की तरफ देखना और उस वक्त ये दुआ पढ़ना, तो इसकी कोई दलील नहीं है, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है ना, वो ना ही हमने पढ़ी है। और इसके अलावा दो दुआएं और हैं जो हमें अहादीस से मिल जाती हैं, वो कौन सी हैं? जी हाँ बिल्कुल, तो ये इन दोनों हदीसों का भी हमें जिक्र मिलता है, एक अल्लाहुम्मा जालिम मिन तवाबीन व जालिम मिन मुतताहिरीन, और इसके अलावा सुभानक अल्लाहुम व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक, ये दोनों। हिलियतुल वुदू, हदीस नंबर है 149, हिलियतुल वुदू वजू का जेवर। अन अबी हाजिम قال كنت خلف ابي هريره وهو يتوضا للصلاه وكان يغسل يديه حتى يبلغ ابطيه فقلت يا ابا هريره ما هذا الوضوء فقال لي يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضات هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء। इस दुआ में जो पिछली हदीस में गुजरी, इसमें वहदहु ला शरीक लहु के अल्फाज नहीं है, ठीक है ना, हदीस हमारे सामने मौजूद है। तो मैं को एक वीडियो देख रहा था, कोई खातून शोर मचा रही थी कि हदीस की ये पंजाब में
کہ نصاب کے اندر تبدیلی کی گئی ہے, تو بات یہ کہ اس حدیث میں وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ ہیں ہی نہیں. اور یہ ہے کہ اس سیمسٹر میں ہم نے یعنی اسی سال سنن نسائی کے علاوہ ہم نے جامع ترمذی بھی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم انتہائی اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ ساری حدیثوں سے مرور ہو جائے, اس لیے ہم غیر ضروری سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہے اور نہ ہی حدیث کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. حلیت الوضوء, وضو کا زیور. عن ابی حازم قال كنت خلف ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وهو يتوضأ للصلاة. ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے, قال فرماتے ہیں كنت خلف ابی ہریرہ, میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا. وَهُوَ يَتَوَضَّعُ لِلصَّلَاةِ, اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کھڑے ہیں, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے وضو کر رہے ہیں. وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ, اور تھے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو رہے تھے. حتی یبلغ ابطیہ, یہاں تک کہ پانی پہنچ رہا تھا بغلوں تک. عام طور پر کوہنیوں سمیت دھویا جاتا ہے ہاتھوں کو, لیکن وہ پانی کو اوپر لے جا تک وہ بغلوں تک لے جا رہے تھے. فقلت, ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں, تو میں نے کہا یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضوء, میں نے کہا یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کون سا وضو ہے. فقال لی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا یا بنی فروخ انتم ہا ہونا, اے فروخ کے بیٹے تم یہاں ہو, اے فروخ کے بیٹے تم یہاں ہو. کہا جاتا ہے کہ فروخ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا, اور ان سے آگے بڑھنے والی جو نسل ہے وہ ساری عجمی نسل ہے, عجمی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اے بنی فروخ تم یہاں ہو, یعنی تم مجھے دیکھ رہے ہو. لو عالم, تو اگر میں جان لیتا, انکم ہا ہونا, کہ بے شک تم یہاں ہو, ما توضأت ھذا الوضوء, تو میں یہ وضو نہ کرتا. لو عالم, تو اگر میں جان لیتا, انکم ہا ہونا, کہ بے شک تم یہاں ہو, ما توضأت ھذا الوضوء, میں یہ وضو نہ کرتا. سمعت رسول خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اپنے دوست صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, یعنی اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یقول, آپ فرما رہے تھے, تبلغو حلیت المؤمن, تبلغو پہنچے گا حلیت المؤمن, مومن کا زیور, حیث جہاں, یبلغ الوضوء, وضو پہنچے گا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. تابعی ابو حازم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں, اور وضو کرنے میں پانی کو اوپر تک لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا وضو ہے, تو فرمایا کہ تم یہاں ہو, اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں وضو نہ کرتا. کیوں نہ کرتا؟ اس طریقے کہ ممکن ہے کہ تمہارے دل میں یہ سوچ پیدا ہو کہ شاید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسا وضو کیا ہے جو کہ مشروع نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر سوال یہ نہ کرتے, یہ اگر ابو حازم سوال نہ کرتے تو کیا سوچتے, صحابی ہو کر اپنی طرف سے وضو کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے پوچھ لیا تو انہوں نے بتا دیا. اور اگر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ جائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ ان کے عوام الناس کے سامنے کرنے سے
عوام الناس کے دل و دماغ میں اس عالم کے بارے میں کچھ بدگمانی آ سکتی ہے, وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ حدیث پر عمل نہیں کر رہا. مثال تو پر یہی کھڑے ہو کر پانی پینے کا معاملہ ہے, یہ ایک مثال ہے. تو اسی طریقے سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی, ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس عمل کے لیے حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرما رہے تھے کہ مومن کا قیامت کے دن زیور وہاں تک پہنچے گا کہ جہاں تک اس کا دنیا کے اندر وضو پہنچا کرتا تھا. تو یہاں دنیا کے اندر جو زیور پہنا جاتا ہے وہ عام طور پر ہاتھوں اور کلائیوں تک پہنا جاتا ہے, لیکن قیامت کے دن جو زیور پہنا جائے گا وہ پورے بازوؤں تک ہوگا. اور یہ ہے کہ یہاں تو یہ زیور صرف عورتوں کے لیے ہے, لیکن قیامت کے دن مردوں کو بھی یہ زیور پہنایا جائے گا. اگلی حدیث پڑھیے خواتین. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون وددت انی قد رأیت اخواننا قالوا یا رسول اللہ السنا اخوانک قال بل انتم اصحابی و اخوانی الذین لم یأتوا بعد و انا فراتهم علی الحوض قالوا یا رسول اللہ کیف تعرف من یأتی بعدک من امتک قال ارأیت لو کان لرجل خیلۃ خیلۃ ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کے ہاں خیلتن لکھا ہوا یا خیلن ہے خیلتن خیلتن ٹھیک ہے خیلتن غر محجلتن فی خیلن بہن ہے بہمن 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 الا یعرف خیلہ قالوا بلا قالا فانہم یأتونا یوم القیامت غر محجلین من الوضوء وانا فرطهم علی الحوض عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المقبرۃ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قبرستان کی طرف. فقال بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. دار قوم مؤمنین مومن قوم کے گھر. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا بِكُمْ تمہارے ساتھ لَاحِقُونَ ملنے والے ہیں. لَاحِقُونَ ملنے والے ہیں. وَدِدْتُ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ودت تو میں نے چاہا, ودت تو میری خواہش ہے, میں نے چاہا انی قد رأیت اخواننا کہ بے شک میں نے دیکھا ہوتا اپنے بھائیوں کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ سے جو پہلے گزر گئے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ کاش کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. کون سے بھائی؟ جو ابھی نہیں آئے, جو ابھی نہیں آئے. قالو انہوں نے کہا یعنی صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا اخوانک السنا کیا ہم نہیں ہیں اخوانک آپ کے بھائی, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. قال بل انتم اصحابی فرمایا کہ بلکہ تم میرے صحابہ ہو, میرے ساتھی ہو.
जो बाद में आएंगे वो मेरे भाई हैं, तुम मेरे सहाबी हो। तो क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? नहीं, भाई का मकाम सहाबी के मकाम से कम है। तो फरमाया कि तुम मेरे सहाबी हो और मुसलमान होने के नाते भाई तो बिल ओला हो, लेकिन बाद में जो आएंगे वो सिर्फ मेरे मुसलमान होने के अतबार से भाई होंगे, वो सहाबी नहीं होंगे। जैसे हम हैं, हम बतौर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, ठीक है ना। और सहाबा कराम को दो फजीलतें थी, एक तो यही कि बतौर मुसलमान वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, और दूसरा ये कि उनको सोहबत का भी शरफ हासिल था। सहाबा कराम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलसना इख्वानक, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? काला, फरमाया, बल अंतुम असहाबी, बल्कि तुम मेरे सहाबा हो। व इख्वानी, और मेरे भाई, अल्लदीना, वो हैं, लम यातू बादु, जो अभी तक नहीं आए। काश कि मैंने उन्हें देखा होता जो अभी तक नहीं आए। मेरे भाई होंगे तो जरा अंदाजा लगाएं कि अभी पूरी उम्मत आनी है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत है कि ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश कि मैंने अपने भाइयों को देखा हुआ होता। यानी इस कदर नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले। क्या हम भी अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे दिलों के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि काश के हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते और हमने आप अलैहि सलाम को देखा हुआ होता। फरमाए कि वह इख्वानी, मेरे भाई, अल्लदीना, वो हैं, लम यातु बादु, जो अभी तक नहीं आए। वह आना फारतुहुम, और मैं उनसे आगे हूंगा, अलल हौद, हौद पर। वह आना और मैं, फारतुहुम, उनका फरत हूंगा, उनसे आगे हूंगा। लफ्ज फरत ये काफिले में उस शख्स के लिए बोला जाता है जो काफिले से काफी आगे आगे रहता है, ताकि अपनी कौम के लिए जो वो पीछे काफिला आ रहा है तो उसके लिए वहां पर जाकर कोई पड़ाव के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करे और वहां पानी वगैरह देखे और दीगर सहूलियत को वहां पर जाकर वो इंतजाम करे, उसे फर्द कहा जाता है। जो छोटा बच्चा जो जाया हो जाता है या फिर बचपन में ही फोत हो जाता है तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए यही फरमाते थे कि या अल्लाह इसको तो हमारे लिए फर्द बना दे, यानी ये हमसे पहले जन्नत के अंदर पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहा हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने इन भाइयों का आगे हूंगा, इनसे आगे हूंगा हौज पर। हौद पेश खेम, पेशवा, तो कि पेश खेमा जी, इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज हो तो पेश खेमा, तो शायद वो खेमे का ही लग रहा है जी। जी हाँ, पेश रू जी, पेश रू। वह आना फरत हम, आसान लफ्जों में कहेंगे मैं उनसे आगे हूंगा, अल हौद, हौद, हौद को सर पर। आलू या रसूल अल्लाह, सहाबा कराम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ तारिफु, आप कैसे पहचानेंगे, मैं यति बादक, जो आएगा आपके बाद, मिन उम्मतिका, आपकी उम्मत में से। आपकी उम्मत में से जो आपके बाद आएगा, आपने उसको देखा नहीं है, तो आप क्यामत के दिन उसको कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है? कैफ तारिफ, आप कैसे पहचानेंगे, मैं यति बादक, जो आपके बाद आएगा, मिन उम्मतिका, आपकी उम्मत में से। काल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरअईत, तुम्हारा क्या ख्याल है, अरअईत, तुम्हारा क्या ख्याल है, लौ कानल रजुलिन, अगर हो आदमी के लिए, अगर हो आदमी के, खैलतुन, घोड़े, गुर्रुन, गुर्रुन बोलते हैं ऐसा घोड़ा कि जिसका चेहरा चमकदार हो, चेहरा रोशन हो। फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर हो आदमी के पास ऐसे घोड़े, गुर्रुन, जो चमकते हुए चेहरे वाले हों, रोशन चेहरे वाले, मुहज्जलतुन, चमकते हुए अज़ा वाले, चमकते हुए हाथ पांव वाले, मुहज्जलतुन, ऐसे
घोड़े को कहा जाता है कि जिसके दोनों अगले और पिछले पांव, चारों पांव के जिसके वो सफेद हों। फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर आदमी के पास ऐसे घोड़े हों कि जो चमकते हुए चेहरे वाले और चमकते हुए हाथ पांव वाले हों, मुहज्जलतुन, सिर्फ हाथ और पांव की जगह का सफेद होना, वो घोड़े हों फी खैलिन, ऐसे घोड़ों में, बुहमिन, जो स्याह हों, बुहमिन स्याह, दुहमिन, इसका एक तो माना यही होता है कि खालिस, लेकिन यहां पर माना करेंगे दुहमिन खालिस स्याह, महज स्याह, सिर्फ स्याह। और अगर दोनों का मिलाकर तर्जमा करें तो यूं करेंगे कि फी खैलिन, बुहमिन दुहमिन, खालिस स्याह घोड़ों में। आपका फरमाया कि अगर किसी आदमी के घोड़े हों जिनके चेहरे सफेद हों, हाथ पांव सफेद हों, वो ऐसे घोड़ों के अंदर हैं जो मुकम्मल तौर पर स्याह हैं, अला यारिफु खैलहु, क्या वो अपने घोड़ों को नहीं पहचानेगा? कालू बला यार, कालू बला, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فانهم ياتون يوم القيامه, بس بے شک وہ یعنی میری امت, ياتون وہ آئیں گے, يوم القيامه قیامت کے دن, غرن چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ, محجلین چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ, غرن چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ, محجلین چمکتے ہوئے یا روشن ہاتھوں پاؤں کے ساتھ, मिनल वुदू, वुजू के सबब से, वुजू की वजह से, वुजू की वजह से उनके चेहरे भी चमक रहे होंगे और उनके हाथ और उनके पांव भी चमक रहे होंगे। वा अना फरतुहुम, और मैं उनका पेशरू होऊंगा, उनसे आगे होऊंगा, अलल हौदे, हौदे को सर पर। तो हदीस का मफहूम ये बनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ निकले और आप अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ पढ़ी। कब्रिस्तान की ज्यारत करना मसनून है मर्दों के लिए, औरतों को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं है। और ये कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी और उसके बाद सहाबा किराम को मुखातिब करके कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैंने अपने भाइयों को देखा हुआ होता। सहाबा किराम ने कहा, क्या हम आपके भाई नहीं है? फरमाया, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो हैं जो अभी तक नहीं आए। फरमाया कि मैं उनसे क्यामत के दिन आगे बढ़कर, यानी मैं अभी उनसे पहले जाऊंगा और क्यामत के दिन उनका हौज कोसर पर इंतजार करूंगा। सहाबा किराम ने कहा कि आप फिर उनको कैसे पहचानेंगे? तो फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर किसी आदमी के ऐसे घोड़े हों जो रोशन चेहरे वाले हो, रोशन हाथ पांव वाले हों, तो क्या वो बिल्कुल खालिस स्याह घोड़ों के अंदर हों, वो उनको दूर से पहचान लेगा? फरमाया कि इसी तरह मैं उनको देखूंगा क्यामत के दिन के वो साल में आएंगे कि उनके वुजू के आजा वुजू की वजह से चमक रहे होंगे और मैं हौज कोसर पर उनका पहले से वहां पहुंचकर इंतजार कर रहा हूंगा। उलमा ने मुतलकन मना किया है और कुछ ने कहा कि जव्वारात का जो लफ्ज आता है बहुत ज्यादा ज्यारत करने वाली, तो कभी कभार मिसदवर साहब वहां से कभी गुजर हो, ठीक है ना, तो फिर वहां पर वो कब्रिस्तान के अंदर जा सकती है। लेकिन बाकायदा जिस तरह मर्दों के लिए है कि बाकायदा घरों से कसद करके निकलना, ठीक है ना, ताकि कब्रिस्तान जाए और वहां से होकर आ जाए, तो इस तरीके से मना है। नहीं, बिल्कुल इसमें इख्तलाफ का मामला है, लेकिन अक्सर उलमा का फतवा यही है, ठीक है ना। हत्ता कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा भी जब अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर गई थी तो उसके बाद उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मैं तुम्हारी यानी मौत को हाजिर होती जनाजे को तो तुम्हारे पास ना आती। मुश्किल अल्फाज फिर से बता दें, जो मुश्किल है वो आप मुझे बता दें। जी जी हाँ, क्योंकि अगर आप अलैहिस्सलाम को पता होता कि मेरी उम्मत में फुला फुला शख्स आएंगे तो जानते होते कि उनको तो चेहोंगे रिगैब के अंदर, आप उनको देख लेते। हाँ
इस हाँ क्यामत के दिन भी उनको उनकी अलामत से पहचानूंगा, ये नहीं कि देखकर वो फौरन पहचान लिया कि ये मेरा उम्मती है, बल्कि अलामतों से पहचानेंगे। बहुत अच्छा इस्तदलाल है। लाहिकून का माना है मिलने वाले हैं। कब्रिस्तान जाने की जो वजूहात हैं वो दो वजह हैं, एक तो इबरत लेने के लिए और दूसरा फौत शुदगान के लिए दुआएं करने के लिए। यहां पर इस हदीस से एक और बात पता चली और वो ये है कि वुजू के आजा का चमकना, तो क्या साबका उम्मतों में वुजू नहीं था? इसे या तो ये पता चलता है कि या तो साबका उम्मतों में वुजू था ही नहीं, और अगर वुजू था भी तो वुजू के आजा का चमकना ये इस उम्मत की खसूसियत है। ये जो खास मकाम और मर्तबा मिलेगा ये आप अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के शरफ में ये उस उम्मत को मकाम मिलेगा। तो हदीस का बाप से ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह है कि इनके जो एक तो जो आज़ा हैं उनको ज़ेवरात पहनाए जाएंगे और ये कि इनके आज़ा खुद ब खुद भी चमक रहे होंगे। आप जो ऑनलाइन है आप में से कोई पढ़े, लाइबा आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर हदीस नंबर मुझे 150 से पढ़ना है ना? 151 151 जी। बाबु सवाबी मन अहसनल वुदुआ सुम्मा सल्ला रकातीन अन अकबता बनी आमिरिल आमिरिल जुहानी ये काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवद्दा फअहसनल वुदुआ सुम्मा सल्ला रकातीन يقبل عليهما بقلبه فوجهه ووجبت له الجنة بارك الله فيكم باب ثواب من احسن الوضوء ثم صلى ركعتين یہ باب ہے اس بارے میں कि उस का सवाब कि जिसने अच्छी तरह वुजू किया, मन अहसन अलवुदू जिसने अच्छी तरह वुजू किया, तुम सल्ला रकातैन फिर उसने दो रकात नमाज पढ़ी, तहियतुल वुदू। मन अहसन अलवुदू जिसने अच्छी तरीके से वुजू किया, अच्छे तरीके से वुजू करना क्या है? सुन्नत के मुताबिक और अच्छी तरह इसबाग करना, और यह है कि वुजू करते हुए फजूल पानी बहाने से बचना, इन तमाम चीजों की जरूरत है। सुन्नत के मुताबिक हो और उसको भी अच्छी तरह मुकम्मल करके, और यह के पानी को फजूल बहाने से इंसान बचे। कभी आप जो ना वो कभी किसी बाल्टी में वुजू करके देखें, ठीक है ना, पानी जो बह रहा होता है ना उसका, फिर आपको अंदाजा होगा कि एक वुजू में हम कितना पानी खर्च करते हैं। عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع جس شخص نے وضو کیا فاحسن الوضوء پس اچھی طرح وضو کیا ثم صلى رکعتین پھر اس نے نماز پڑھی دو رکعتیں युक्बिलो वो मुतवज्जह होता है युक्बिलो वो मुतवज्जह होता है अलैहिमा उन दोनों पर यानी उन दोनों रकातों में मुतवज्जह होता है बिकल्बिही व वजीही अपने दिल और अपने चेहरे के साथ वजबत लहुल जन्नत उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। बड़ी अजीम हदीस है ये, सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। तो ये खुशखबरी है उस शख्स के लिए कि जो सुन्नत के मुताबिक वुजू करे
اور دو رکعتیں نماز پڑھے, لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو. ہم دو باتیں, دو لفظ سنتے ہیں, ایک خشوع اور دوسرا خضوع. خشوع اور خضوع, ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو خضوع ہوتا ہے یہ انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے, اور خشوع جو ہوتا ہے یہ دل سے ہوتا ہے. تو نماز کے لیے خشوع اور خضوع دونوں ہونا ضروری ہے. یقبل علیہ ما بقلبی سے مراد خشوع اور وجہ سے مراد خضوع. دل سے متوجہ ہونا کہ دل کے اندر کچھ افکار نہ ہوں, کچھ سوچے نہ آئیں. شاید ہم نے زندگی میں آج تک دو رکعت ایسی نہیں پڑھی کہ جو مکمل طور پر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. یہ جو عظیم خوشخبری ہے ایسے ہی نہیں دی گئی, مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. وہ وجہ ہی اور اپنے چہرے کے ساتھ بھی اللہ کی طرف متوجہ, ادھر ادھر نہ دیکھے. ہمیں نماز کے علاوہ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو یہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ خوشخبری اس کے لیے ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو, اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر اس طریقے سے نماز پڑھ لی تو جنت واجب ہے. صحیح بالکل. تو یہاں سے حدیث کا باب کے ساتھ تعلق بالکل واضح معلوم ہوا کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یقبلو کا معنی ہے متوجہ ہوتا ہے, کیسے نماز پڑھی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب یعنی اگر آپ نماز کے لیے آتے ہیں, اگر با جماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اذان کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ تمام کاموں کو چھوڑ دیں, جو آپ کام کر رہے ہیں نا ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں, اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر آپ وضو کریں. ہم باتھ روم میں اندر جاتے ہیں وہاں وضو کرتے ہیں تو بس اوقات بسم اللہ نہیں پڑھ پاتے, شروع میں ہم پڑھ کر داخل ہوتے ہیں. تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنے سے اس کی برکت یہ ہوگی کہ شیطان کے جو اثرات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں بسم اللہ کی برکت سے. سنت کے مطابق آپ وضو کریں اور تقریباً 10-15 منٹ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا یہ جو ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں تو جتنے بھی آپ کے سارے کام ہیں ان سارے کاموں کو چھوڑ دیں, سارے کاموں کو. ہم عام طور پر موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہماری پوری توجہ اسی میں ہوتی ہے. تو یہ جو درمیان میں وقفہ ہو ان تمام اس پورے وقفے میں اپنے ذہن سے تمام سوچوں کو نکالنا شروع کر دیں, اور پھر یہ کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے متوجہ ہو کر کھڑے ہوں تو دو چیزیں اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ کی پوری توجہ نماز میں رہے گی. دو چیزیں, ایک تو یہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر آپ یہ تصور مضبوط کر لیں تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں چاہیے, لیکن مسلسل توجہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مسلسل. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوں وہ لفظ اس وقت تک آگے نہ بڑھیں, آگے نہ پڑھیں جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ میں نے پڑھا کیا ہے. یہ دونوں باتیں آپ اپنائیں گے تو آپ کی پوری توجہ نماز کے اندر رہے گی. آپ کھڑے ہوں گے آپ سوچیں گے مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے سبحان اللہ جب تک مجھے پتا نہ ہو اس کا معنی کیا ہے. سبحانک اللہم یا اللہم باعد, تو آپ لفظ کو پڑھتے جائیں اس کے معنی کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاتے جائیں. آپ دیکھیں چند ایک مرتبہ آپ پریکٹس کریں گے اور ان شاء اللہ آپ کی نماز کی عادت بن جائے گی. نہیں زبان سے یہ نہیں کہیں گے میرا چہرہ اللہ کی طرف ہو. اور پھر یہ ہے کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں تو محض زبان جو ہے نا یعنی دل کے اندر پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی اسے, بلکہ آپ اپنی زبان کو ہلائیں. لیکن زبان کو اتنا بھی نہ ہلائیں کہ جو سری اذکار ہے وہ بھی جہری معلوم ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پریشان کر دیتے ہیں اور اتنا بلند آواز ہے اللہم باعد بینی و بینہ, اتنا وہ تیز پڑھے ہوتے ہیں کہ سب کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے. اتنا بھی نہ ہو, یعنی زبان کو بندہ حرکت دے اور اس کو پتا ہو کہ وہ لفظ کیا ادا کر رہا ہے, مثلا توجہ نماز میں رہے گی.
सही, वो एक अलग बात है कि स्त्री में कभी कभार जो है वो जहरी करके आयात को एक दो सुना देना, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि पूरी की पूरी हत्ता कि वो तस्बीहात भी बिल्कुल बंदा जहरी पढ़ रहा हो, कुछ तो इतना परेशान कर देते हैं कि बंदा खुद अपनी दुआएं पढ़ ही नहीं पाता, सोचता भाई तू ही नमाज पढ़ ले, हम ऐसे ही खड़े हैं, इतनी आने वो परेशान कर सूरत हाल होती है। आगे बढ़ते हैं, बाब मा यनकुदुल वुदू, ये बाब इस बयान में मा जो यनकुदुल वुजू, वुजू को चीजें तोड़ देती हैं, नवाकिद वुजू, नकद का माना होता है तोड़ना, नकद यनकुदु, नकद गसला कुरान करीम में भी है कि जिसने अपनी उस चरखे को जो है वो तोड़ दिया, नकद यनकुदु। जी हाँ, बाब ये बाब है मा यनकुदुल वुजू, इस बयान में कि जो चीजें वुजू को तोड़ देती हैं या जो वुजू को तोड़ देता है, वमा ला यनकुदुल वुजू, और जो वुजू को नहीं तोड़ता, मिनल मदी, मदी से, ये आप जानते हैं ये लफ्ज इसका क्या माना होता है। जी हदीस है, अन अबी अब्दुर्रहमान قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت ان اساله فقلت لرجل جالس الى جنبي سله فساله فقال فيه الوضوء। सैयदना अबी अब्दुर्रहमान से मरवी है, फरमाते हैं कि قال علي, सैयदना अली رضي الله عنه ने फरमाया, उन तो رجلا مذاء, मैं ऐसा आदमी था कि जिसको बहुत ज्यादा मदी आती थी। इसकी आमतौर पर दो वजूहात होती हैं, एक शिद्दत शहवत और दूसरा बीमारी, लेकिन इनके साथ वो पहला मामला था। वकान तिबनतुन नबी, और थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, तहती मेरे तहत यानी मेरे निकाह में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे तहत थी और मुझे बहुत ज्यादा मजी आती थी। फस्तहयैतु, बस मैंने हया महसूस की, अन असअलहु, ये कि मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बारे में सवाल करूं। फकुल्तु, बस मैंने कहा, ले रजुलिन, एक मर्द से, जालिसिन इला जंबी, जो मेरे साथ बैठे हुए थे। वो मर्द कौन था? मिकदाद बिन अस्वद। कुछ रिवायात में अम्मार बिन यासर रजलों का तस्करा है, लेकिन वो रिवायात मुनकर हैं। मुनकर रिवायत इसे कहते हैं कि हदीस के ज्यादातर सिका लोग एक नाम लें और एक सिका एक नाम ले, तो उसको मुनकर कहा जाता है। यानी सिका औसत की मुखालफत करे तो उसको मुनकर कहा जाता है, या बल्कि मुनकर तो उसे कहते हैं जो ज़ाइफ जो है, ज़ाइफ वो सिकात की मुखालफत करे, और अगर सिका औसत की मुखालफत करे तो उसे शास कहते हैं। बहरहाल यहां पर जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फस्तहयैतु, बस मैंने हया महसूस की, अन असअलहु, ये के मैं आपसे सवाल करूं। फकुल्तु लिरजुलिन जालिसिन, बस मैंने एक आदमी से कहा जो बैठा हुआ था, इला जंबी, मेरे पहलू में, मेरे साथ मेरे पहलू में बैठा हुआ था, सल हो कि आप सवाल करें, सल आप सवाल करें, हो आपसे, और ये आदमी मिकदाद बिन अस्वद रदी अल्लाह अन्हु थे। फसअलहु, बस उन्होंने आपसे सवाल किया या उस आदमी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया। फकाल फीहिल वुदू, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसमें वुदू है। पूछ रहे हैं कि मर्जी क्या होती है, तो शहवत से पहले जो इंसान को पानी के कतरे आते हैं तो उसको मर्जी कहा जाता है, और ये है कि ये पेशाब की तरह जो होते हैं, ये पानी की तरह जो है वो ये कतरे ही हुआ करते हैं, और ये है कि इसके लिए हुक्म यही है कि इससे वुजू टूट जाता है। इसे भी मालूम हुआ कि इस तरीके से जो पोशीदा बातें होती हैं,
तो वो अपने ससुराल के सामने नहीं करनी चाहिए। अली रजी अल्लाह अन्हु के ससुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन उन्होंने शिद्दत हया और शर्म से इस तरह की बात को जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। तो इससे ये पता चला कि मदी ये नवाकिज़े वुजू में से है, और अगर किसी इंसान को कसरत के साथ पेशाब के कतरे आते हैं तो जाहिर बात है उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो भी उससे भी वुजू टूट जाएगा। लेकिन जरूरी है कि दोनों सूरतों में एक तो इस्तंजा किया जाए, और अगर कपड़े पर उसके निशानात लगे हैं यानी पेशाब वगैरह या मजी के, तो कपड़े को भी धो दिया जाए। फीहिल वुदू, उसमें वुजू है यानी मदी अगर आ जाए तो उसमें वुजू करना है। और वमा ला यनकुदुल वुदू मिन अल मदी, और मजी में से कौन सी चीज है जो वुजू नहीं टूटती, यानी सवाल यही है कि क्या मजी से वुजू टूटता है या नहीं टूटता, ये मतलब है जी। उसके लिए यही है कि उसको पानी से धो दिया जाए, यही शरीर तरीकेकार है, किसी और चीज से उसको नहीं धोया जा सकता और ना ही उसे वो पाक हो सकता है। सिर्फ उतना हिस्सा धोना वाजिब है कि जितने हिस्से पर नापाकी लगी हुई हो जी। नहीं, धोने की तादाद, एक ही मर्तबा उसके ऊपर पानी गिराया यहां तक के उससे वो पानी जो गिराया था वो उसमें से निकल गया और वो असरात उसके खत्म हो गए। जैसे छोटा बच्चा पेशाब कर देता है तो उसको हम जो है वो पकड़ कर और उस कोने को हम यानी इस तरीके से धोते हैं कि उसके ऊपर पानी अच्छी तरह आ जाए, उसकी जो कैफियत है पेशाब वाली वो खत्म हो जाए, इतना उसके ऊपर पानी बहा जाए कि पता चले कि पेशाब किस तरह दिस से जाल हो गए और इंसान को पता चल जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप यानी वो बर्तन के अंदर अगर वो रखा हुआ है यानी एक टप है, और टप के अंदर आप उसको धोना चाहते हैं तो टप के अंदर आपने उसको दाखिल किया, उसको रगड़ा और उसको बाहर निकाला, ठीक है ना। तो अब क्या है कि उसके जो असरात होंगे तो वो पानी से मिलने की वजह से उसके असरात पानी के अंदर चले जाएंगे। अब वो बाहर निकला तो वो तकरीबन पाक होगा, लेकिन अगर अभी भी दिल मुतमइन नहीं है तो उसके ऊपर दोबारा से साफ पानी बहा दिया जाए, इतना काफी है। नहीं, ये तो एक अलग बात है ना, वो फिर बाद का मरहला है कि जारी बात है उस पूरे पानी को जाया करना होगा, टब को धोना होगा, ये एक अलग बात है ये जी। अगली हदीस पढ़ते हैं जी। عن علي رضي الله عنه قال قلت للمقداد اذا بنى الرجل باهله فامزي ولم يجامع فسل للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاني استحي ان اساله عن ذلك وابنته تحتي فاساله فقال يغسل مذاكيره ويتوضا وضوءه للصلاه صحيح। सईदना अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि कुल्तु लिल मिक़दाद, मैंने मिक़दाद बिन अस्वद रजी अल्लाह अन्हु से कहा। अब यहां इस हदीस में नाम आ गया कि वो सहाबी मिक़दाद बिन अस्वद रजी अल्लाह अन्हु है। इदा मैंने बगदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि इदा बना रजुल, इदा बना, वैसे बना यहां पर है एक और जो है वो उसका नुस्खा है सुनन नसाई का, तो उसमें दना के अल्फाज हैं, दना यानी करीब हुआ, करीब हो। बना का माना होता है कि औरत के पास बैठे, इदा बना रजुल भी अहली ही,
जब आदमी बैठे अपनी बीवी के साथ बिना करे, मतलब यानी इस नियत से बैठे कि उसने वहां अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करनी है। इदा बनर रजलो, जब आदमी बैठे बेअहल ही अपने घर वालों के साथ यानी अपनी बीवी के पास। फअमदा, बस उसकी मजी निकल आए। वलम युजामिया, और वो जमा ना करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? फसलिन नबी, बस आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करें अंदाल के इस बारे में। फइन्नी अस्तही, बस बेशक मैं हया महसूस करता हूं अन असअलहु अन दालिका, ये कि मैं आपसे सवाल करूं इस बारे में। वबनतुहु तहती, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी मेरे तहत है, मेरे निकाह में है। फसअलहु, तो मिकदाद बिन अस्वद रदियल्लाहु अन्हु ने आपसे सवाल किया। फकाल, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यग़सिलु, ऐसा आदमी धोएगा। उन्होंने नाम नहीं बताया बल्कि मुतलकन सवाल किया, तो फरमाया यग़सिलु, वो आदमी धोएगा। मदा की रहू, अपनी शर्मगा। वयतवज्जा, और वजू करेगा। वजू अहु लिसलाते, उसका नमाज के लिए वजू करना। इस हदीस में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिकदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि जब एक आदमी अपनी बीवी के पास बैठे, अपने घर वालों के पास बैठे, तो उसकी मजी निकल आए लेकिन वो जमा ना करे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल करें। मैं हया महसूस करता हूं कि मैं आपसे इस बारे में सवाल करूं, इसलिए कि आपकी बेटी मेरे तहत है। तो उन्होंने सवाल किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि आदमी पहले इस्तिंजा करेगा, शर्मगाद होएगा, और उसके बाद नमाज की तरह नमाज के लिए वुजू करेगा, जैसे नमाज के लिए वुजू करना होता है, यानी पूरा वुजू करेगा वो। ठीक है, तो इसी पर इक्तफा करते हैं, टाइम हो चुका है, बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इसका मतलब ये है कि इन हदीसों में जो इस बात का जिक्र है कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने जिनको कहा था कि सवाल करें, तो इन दोनों हदीसों में अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। तो हदीस तो सही है लेकिन इसमें अम्मार बिन यासर का तस्करा होना, इससे ये हदीस मुनकर बन गई है, और मुनकर का माना होता है कि एक ज़ईफ सिका की मुखालफत करे। बारकल्लाहु फीकुम।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم جی ایک آپ کا سوال ہے اجمالی بتا دیں ٹھیک ہے اجمالی آج آ جائے گا بیچ میں اور پچھلی کلاس کے حوالے سے کوئی اور سوال ہے تو پلیز بتا دیں اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو انشاءاللہ ہم کتاب سے شروع کچھ کر لیتے ہیں اچھا کل ہم نے بات کی تھی سبجیکٹ کی بات کی تھی اصول الفقہ اصول الفقہ کی ہم نے ایک ایسپیکٹ دیکھا تھا کہ اصول الفقہ دو کلمات ہیں ایک ورڈ ہے اصل یعنی اصول کی جو واحد ہے وہ ہے اصل اور اصل کس چیز کو کہتے ہیں کسی چیز کی اساس کو اس کی بنیاد کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شجرہ کی اگزامپل دی اور کہا اصلہ ثابت وفرعہ فی السماء ٹھیک ہے اسی طرح گھر کی جو پلرز ہوتے ہیں یا اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کو اس کی اصل کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ پھر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا تھا فقہ میں کیا آتا ہے ٹھیک ہے فقہ میں کیا چیز آتی ہے تو میں نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے اس کے جو احکامات ہیں ان کو دو چیزوں میں بنیادی طور پہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک ہے اعتقادات کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا مانے کس چیز پہ یقین رکھے کس چیز پہ ایمان رکھے بلیف کرے اور دوسری چیزیں ہیں جو عملیات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے اور اس میں عبادات اور معاملات آتے ہیں تو فقہ کا جو تعلق ہے وہ ان عبادات اور معاملات سے ہے یعنی وہ چیزیں جو کہ انسان کو شریعت نے جس میں انسان سے کوئی عمل ایکسپیکٹ کیا ہے یا ڈیمانڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور آج پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اصول الفقہ جو ہے وہ کیا ہے جی یہ بک مارکیٹ سے مل جاتی ہے امید تو ہے آپ ورنہ سرچ کر لیں مل جائے گی انشاءاللہ اہل الظواہر کے بارے میں بتائیں نہیں وہ ابھی نہیں انشاءاللہ پھر کبھی اور آ جائے گا ابھی بیچ میں کوئی ٹاپک آئے گا تو اس پہ ہم دیکھ لیں گے اچھا یہاں پہ اگر آپ کو انشاءاللہ کتاب دکھ رہی ہوگی یہاں پہ شیخ صاحب نے فقہ کی تعریف ایک بیان کی ہے ٹھیک ہے فقہ ویسے لغہ میں کہتے ہیں فہم کو کسی چیز کے سمجھنے کو اور اصطلاح میں جو ہے وہ شیخ صاحب نے کہا ہے معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتہا التفصیلیہ ٹھیک ہے ہم فقہ کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے صرف اس کی جو ایک ڈیفینیشن میں کچھ چیزیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنا ہے شیخ نے کہا کہ فقہ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں اصطلاح کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے ایز اے ٹرمینالوجی ٹھیک ہے یہ اچھا ورڈ ہے اس کو ہم کر لیں اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس کا ایک معنی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو اس ورڈ کو جب استعمال کریں گے تو کیا معنی ہوگا ٹھیک ہے فقہ کا لغوی معنی کا مطلب کیا ہے کہ اہل لغت نے اس سے کیا معنی نکالا تھا اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام کی تو اس میں جب فقہا جن کو ہم کہتے ہیں وہ جب فقہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے اگر کوئی اعتقاد والا اگر فقہ کا ورڈ استعمال کرے گا تو وہ اس سے مراد کچھ اور لے سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ایک عالم جو کہ مثال کے طور پہ حدیث کے عالم ہے وہ اگر فقہ کا ورڈ استعمال کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی مراد اس سے وہی ہو اس کی ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں اصول حدیث میں ٹھیک ہے ہم نے حدیث کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ حدیث کہتے کس کو ہیں جب ایک فقیہ حدیث کی ڈیفینیشن کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ حدیث سے معنی کچھ اور بھی لے ایگزامپل فقہ میں ہم نے کیا دیکھا کہ فقہ کا تعلق ہوتا ہے وہ چیزیں جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے حدیث کی ڈیفینیشن میں جب ہم نے پہلے پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جائے من قول او فعل او تقریر او وصفن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں
چاہے وہ خلقی اوصاف ہو یا خلقی اوصاف ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی تخلیق تھے، یعنی کس طرح ان کی ان کا ظاہر کس طرح کا تھا، آپ کے بال کس طرح کے تھے، یا پھر ان کے خلقی، ان کے اخلاق کس طرح کے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقی اعتبار کی جو چیزیں ہیں اس کا فقہ میں کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے انسان کا عمل ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کیسے یا سینے کے بال کیسے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی عمل نہیں ایکسپیکٹ کیا ہے. تو جب فقی حدیث کی تعریف کر رہا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کی تعریف اپنے اعتبار سے کرے، اپنے کانٹیکس کے اعتبار سے، کہ وہ جس فن کا ماہر ہے یا وہ جس فن میں کتاب لکھ رہا ہے مثال کے طور پہ. تو یہاں پہ اصطلاح سے کیا مراد ہے کہ جب فقی یا کوئی کتاب فقہ کی کتاب ہوگی یا اصول فقہ کی کتاب ہوگی تو وہاں پہ فقہ سے کیا مراد ہوگی؟ معرفت الاحکام الشرعیہ، شریعت کے احکامات کو جاننا. ٹھیک ہے، اب یہ جاننے میں پھر شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جاننے میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، ایک علم آ سکتا ہے جو کہ یقینی طور پہ ہو اور ایک غالب گمان آ سکتا ہے جو کہ ظنی طور پہ ہو. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی ڈیفینیشن پھر انشاءاللہ آگے آئے گی کہ شیخ صاحب اس میں کس طرح تفریق کرتے ہیں. تو اس میں یقینی علم بھی آ سکتا ہے اور غالب گمان یعنی ظنی علم بھی آ سکتا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ الاحکام الشرعیہ، شریعت نے جو جو احکامات دیے. شریعت کے علاوہ ہمیں اور کہاں کہاں سے احکامات مل سکتے ہیں؟ قرآن شریعت میں ہی آ جائے گی نا. کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو کہ عقلی ہوتے ہیں. عقلی احکام کس طرح کے ہوں گے؟ ہمارے معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں. جی آپ کی آواز مجھے واضح نہیں آ رہی. اجتہاد اور قیاس بھی، لیکن وہ ہم شرعی چیزوں میں کریں گے نا. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ کرسی بلو ہے، ٹھیک ہے، یا میں آپ کو کہوں کہ مجھے بلو کرسی چاہیے. اب کرسی بلو ہے یہ اگر ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مجھے قرآن و سنت سے دلیل دیں کہ یہ کرسی جو ہے بلو ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک چیز کا جو آدھا ہے وہ اس کے پورے سے کم ہوتا ہے یا اس کا جو پورشن ہے وہ اس کے کل سے چھوٹا ہوگا، اب یہ بات کہنے کے آپ کہیں کہ نہیں قرآن و سنت سے دلیل دیں، یہ ایک عقلی بات ہے، یہ ایک مشاہدے کی بات ہے یا کچھ تجربے کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ شیخ صاحب نے ایک ایگزامپل دی کہ اگر موسم صاف ہو، سردی کی راتوں میں موسم صاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو شبنم آئے گی. اب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بھائی جب موسم ایسا ہو تو آپ کہیں گے نہیں، یہ کچھ تجربے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو احکام شریعہ سے کیا مراد ہے کہ اس میں احکام عقلیہ کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ چیزیں جو انسان اپنی عقل کی بنیاد پہ جان سکتا ہے یا اپنے تجربے کی بنیاد پہ جان سکتا ہے. یہاں پہ احکام والے ہوں گے، وہ باتیں ہوں گی جن کا تعلق شریعت میں ہے یا شریعت نے ان کو نافذ کیا ہے یا شارع نے اس کا حکم دیا ہے. العملیہ، جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے اور کس سے نہیں ہے؟ عقائد سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی فقہ کی جب بات کی جائے گی اس کانٹیکس میں تو یہاں پہ عقائد کی باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی. بِعَدِلَّتِهَا تَفْصِيلِيَا، اس کے عدلہ کیسے ہوں گے؟ تفصیلی عدلہ، دلائل جو ہیں تفصیلی دلائل ہوں گے. تفصیلی دلائل جو انہوں نے کہا، ایک تفصیلی دلائل ہیں اور پھر ایک اجمالی دلائل ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر مثال کے طور پہ اگر سوال کیا جائے کہ نماز کا کیا حکم ہے یا کتنی نمازیں انسان پر فرض ہیں یا ایک رکعت میں کیا کیا چیزیں انسان کے اوپر لازم ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم ایک عبادت کی تفصیل میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم مجموعی طور پہ اگر ہم انسان یعنی ایک انسان پوچھے کہ بھائی شریعت میں ایسی کیا چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز واجب ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے جو کام بھی کیا اور وہ کام ایسا تھا کہ جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام کیسا ہے؟ رد ہے، مردود ہے. کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عمل کے بارے میں کہا ہے؟ نہیں، آپ نے نہیں کہا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک جنرل رول دے دیا کہ بھائی جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل کیسا ہے؟ مردود ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا. اب یہ قاعدہ کیسا ہے؟ اجمالی قاعدہ ہے. اب آپ اس میں جو بھی عمل رکھ دیں، آپ دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، من عمل عملا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیس علیہ امرنا، کیا اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ اگر نماز کا حکم دیا ہے تو پھر آگے والا حکم اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. روزے کو دیکھ لیں، روزہ رکھتا ہے، اپلائی ہوتا ہے اس پہ؟
नहीं यहाँ पे नहीं होता क्योंकि शरीयत ने इसका हुक्म दिया है। अब आप देखते हैं एक शख्स दीवार से लटक के नमाज पढ़ रहा है, शरीयत ने क्या इसका हुक्म दिया है? नहीं, शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। अब ये अमल कैसा होगा? फहुआ रद्दन। शरीयत ने रोजे का कहा कि भाई इतने वक्त से इतने वक्त पे रखो। एक शख्स कहता है कि मैं मगरिब से ज्यादा करके ईशा पे ले आऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह ताला की ज्यादा इबादत करना चाह रहा हूँ, मेरे जिस्म में इसकी ताकत भी है। तो देखा जाएगा क्या शरीयत ने इसका हुक्म दिया है, नहीं तो फिर फहुआ रद्दन। तो ये जो कायदा था या ये जो हुक्म था कि जिसने भी अमल किया ऐसा अमल जो कि हमारे अमल जिस पे हमारा हुक्म नहीं है, तो यार ये कायदा कैसा है? ये इजमाली है। तफसीली कैसे होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि यानी जैसे हदीस में आता है कि आप नमाज जोहर की नमाज कब पढ़ी आपने? जबकि सूरज इस जगह पे था। असर की नमाज कब पढ़ी? जब सूरज इस जगह पे था। मगरिब की नमाज कब पढ़ी? जब सूरज ऐसा हो गया था। ईशा की नमाज कब पढ़ी? जब रात ऐसी हो गई थी। फजर की नमाज कब पढ़ी? जब सूरत हाल ऐसी थी। अब ये क्या है? एक मामले की तफसील बयान। क्या इस मामले से हम जकात के मसाइल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ये हदीस जकात पे अप्लाई ही नहीं होगी, ये हदीस हज पे भी अप्लाई नहीं होगी, ये हदीस निकाह के मामले में भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिका जब मुराद ली जाती है इस्तलाह में, तो उसका ताल्लुक किससे होता है? अदिलतिया तफसीलिया, वो एक एक चीज की तफसील में जाएगी और उसको तफसील के लिए एक दलील चाहिए होगी। ठीक है, इसके मुकाबले में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है उसूल उल फिका। ठीक है, उसूल उल फिका। मैं थोड़ा फास्ट हूं प्लीज। अच्छा, ये ज्यादातर जो इसकी अभी जो बातें की हैं इसका ताल्लुक कल की डिस्कशन से था, तो उम्मीद है कि इतना भी फास्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हो तो बता दीजिएगा। जो चीजें मैं आपको कहूंगा कि आपने पढ़नी है तो वो इंशाल्लाह ज्यादा मतलूब होंगी। बाकी अगर मैं किताब से कुछ पढ़ रहा हूँ तो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो उसको देख लें, वरना आप इंशाल्लाह खुद रीड करेंगे तो आपको चीज किसी हद तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो पूरी के पूरी मतलूब नहीं है। यानी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आपको उसकी पूरी डिटेल पता हूं, लेकिन जिस चीज को मैं आपसे रीड करवाऊंगा या मैं आपको बताऊंगा वो चीज जो है फिर इंशाल्लाह हम उसको कहीं ना कहीं मैं आपसे एक्सेप्ट करूंगा। मैंने आपको बताया था कि ये पूरी बुक जो है हम नहीं कवर कर सकेंगे और ना ये पूरी बुक हम अभी एक्सपेक्टेड है कि हम इसको कवर करें इंशाल्लाह। इसमें जिस चीज पे फोकस करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बता दूंगा, और उस हवाले से आप जो भी सवाल करेंगे तो मैं आपको उसके साथ साथ इसकी इंशाल्लाह जिस हद तक मुमकिन होगा क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। इस्तिलाही डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा प्लीज एक साथ पूरा, वो फिर इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे टाइम ला। अच्छा, अब हम आते हैं उसूल उल फिक्र। असल को देख लिया क्या होती है, फिका को देख लिया क्या होती है। अब हमारा जो टॉपिक है उसूल उल फिक्र किसको कहते हैं? ठीक है जी, आप में से अगर किसी के पास माइक है वो इस इबारत को रीड कर दें प्लीज। है आपको नजर? आपके पास बुक नहीं है? बुक आप फिर ले लीजिएगा नीचे से। जी नीचे अवेलेबल है इनके पास। पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट्स के हवाले से खासकर ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे। मैं चूंकि हर वक्त आपकी क्लास में मौजूद नहीं होता, इसलिए मुझे इसकी पूरी पूरी हकीकत का तो नहीं पता कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से गुजारिश है कि ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ईगर होते हैं क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो अपना हैंड रेस करते रहते हैं और असातिज़ा उनसे रीड करवाते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उस वजह से बारी नहीं आ पाती, तो अगर ऐसा कर लिया करें कि जो जिनकी रीड करने की टर्न आ जाए वो फिर जो है कोशिश करके कुछ डेज के लिए अपना हैंड ना रेस किया करें ताकि दूसरों को मौका मिल जाए। लेकिन कभी ऐसा हो कि क्लास में कोई और रीड करने को तैयार ना हो तो फिर बिल्कुल आप रिक्वेस्ट कर दिया करें, क्योंकि असातिज़ा को देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो कभी हो सकता है किसी को नाम याद रहे किसी को नाम याद ना रहे, तो कभी ऐसा होता है कि एक ही एक कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनको बार बार रीड करने का मौका मिल रहा होता है। तो कोशिश करें कि जिन्होंने रीड कर लिया हो वो कम से कम 2-3 दिन का वेट कर लें अगर मुमकिन हो, और दूसरों को चांस दें या दूसरों को इनकरेज भी करें कि वो भी रीड करें। लेकिन अगर कोई और ना रीड कर रहा हो तो फिर आप बिल्कुल जो है वो पार्टिसिपेट कर लिया करें। ठीक है जी, अगर आप अपना माइक खोल सकें प्लीज। जी यहाँ ये जो जहाँ ये जो मेरा माउस जहाँ पे इल्मुन, यहाँ से अगर आप हो सके तो प्लीज रीड कर दें। जी, علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. صحيح، جزاك الله خير. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية
وَكَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالِ الْمُسْتَفِيدِ. یہ عن کی وجہ سے جو ہے یہ سارے جو ہیں آگے پھر مجرور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اصول الفقہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک علم ہے, یبحثو جو کہ کیا کرتا ہے, بحث کرتا ہے, جو کھوج میں جاتا ہے, تلاش کرتا ہے, کس چیز کی تلاش کرتا ہے, کس چیز کے سے تعلق رکھتا ہے, عن ادلت الفقہ, فقہ کے ادلہ سے. لیکن کیسے ادلہ, الاجمالیہ, یعنی وہ ادلہ جن میں رول بیان کیا گیا ہو بجائے تفصیل کے, جس میں ایک قاعدہ شریعت نے دیا ہو کہ اس قاعدے کو ہم مختلف تفاصیل میں اپلائی کر کے دیکھ سکیں. یہاں پہ اصول فقہ جو ہے وہ کسی معاملے کی تفصیل میں نہیں جاتا, وہ یہ نہیں جائے گا کہ نکاح کے وقت کتنے لوگ موجود ہونے چاہیے, وہ یہ نہیں کہے گا. لیکن وہ یہ کہے گا کہ اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ نکاح کے وقت کتنے لوگ موجود ہونے چاہیے تو آپ کو دلیل میں سے کیا دیکھنا پڑے گا, کہ آپ کو کیا مل جائے تو آپ اس چیز پہ دلالت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا علم ہے جو کہ فقہ کے اجمالی ادلہ کے بارے میں تعلق رکھے گا, اور ان اجمالی ادلہ کے حوالے سے کیا ہوگا, کیفیت الاستفادتی منہا. استفادہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. استفادہ کیا ہوتا ہے, فائدہ اٹھانا, مستفید ہونا. ٹھیک ہے, فائدہ حاصل کرنا, فائدہ اخذ کرنا. اور کیفیہ کس کو کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کیفیت. ان ادلہ سے فائدہ اٹھانے کی کیا کیفیت ہوگی, ٹھیک ہے, کہ ان ادلہ میں کیا ہو تو کس طرح کا آپ استفادہ اٹھا سکتے ہیں, کیا نہیں موجود ہو تو آپ یہ چیز نہیں اخذ کر سکتے. وحال المستفید, اور یہ علم کس چیز کے بارے میں بات کرے گا, مستفید کا کیا حال ہے, یا مستفید کا کیا حال ہوگا. مستفید کون, استفادہ, یستفیدو, اور اس سے اسم الفاعل مستفیدن, جو شخص فائدہ اٹھا رہا ہوگا یا جو شخص اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا. تو یہ علم کن تین چیزوں سے تعلق رکھے گا, ایک اجمالی ادلہ سے, دوسرا ان اجمالی ادلہ سے فائدہ اٹھانا کیسے یا استفادہ کرنا کیسے, اور وہ شخص جو کہ استفادہ کر رہا ہوگا اس کے بارے میں کچھ تفصیل آئے گی اس علم میں, کہ وہ شخص کون ہو, کیسا ہو, اس کے پاس کیا ملکہ ہو, کیا قدرت ہو, کس طرح کے علوم پہ اس کو مہارت ہو, کیا کون شخص ہے جو کہ یہ کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا, کرنے والے کی کیا شرائط ہوں گی, کون سی شرط جو ہے وہ لازم ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو ادلہ کا, ادلہ جمع ہے دلیل کی. ٹھیک ہے, دلیل کی جمع ہے, پروف یا ایویڈینس کی جمع ہے ادلہ. تو یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ تعلق رکھے گا کس چیز سے, ادلت الفقہ, فقہ کے ادلہ سے. وہ ادلہ کیسے ہوں, اجمالی ہوں, تفصیلی نہیں ہوں گے. یہاں پہ وہ کیفیت الاستفادتی منہا, کہ ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اجمالی جنرل کہہ لیں آپ, جنرل رول, جنرل رول, کہ اس علم میں وہ جنرل رولز ملیں گے جو پھر فقہ میں ہر جگہ پہ اپلائی ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے فعل امر پڑھا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, اور فعل امر ہے. فعل امر میں معنوی طور پہ کیا چیز موجود ہوتی ہے, حکم. حکم یعنی کہ طلب موجود ہوتی ہے, کہ آپ کسی کو اگر کہتے ہیں اجلس تو آپ اس سے ایک فعل طلب کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کرو. ٹھیک ہے, نہیں آپ نے پڑھا ہے, لا نہیہ جو ہوتا ہے کسی چیز سے روکنے کے لیے, اس میں بھی ایک طلب ہوتی ہے, لیکن اس میں طلب اپوزٹ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو نہ کیا جائے. ایک جگہ پہ طلب ہے کرنے کی, اور ایک جگہ پہ طلب ہے نہ کرنے کی. اب اگر آپ نے کسی کو کہا, مثال کے طور پہ وہ کلاس کا یعنی جو ہیلپر ہے وہ گزر رہا ہے, میں اس کو کہتا ہوں پانی لا دو, اگر میں اس کو حکم دے رہا ہوں, میں نے کہا پانی لا دو, اور پوری کلاس ختم ہو جاتی ہے, وہ میں کل آتا ہوں اور کل وہ مجھے پانی کا گلاس لا کے دیتا ہے کہ آپ نے کہا تھا پانی لا دو, تو کیا یہ اس کا عمل جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے قابل قبول ہوگا, یا اس کو کچھ کہا جائے گا کہ بھائی میں نے پانی کب مانگا تھا, میں نے کل پانی مانگا تھا. وہ کہے گا آپ نے قید تو نہیں لگائی تھی, آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے ابھی پانی لا کے دو, اور آپ نے یہ بھی منع نہیں کیا تھا کہ مجھے کل پانی نہیں چاہیے, آپ نے کہا تھا پانی لا دو, اب آپ نے مطلق چھوڑ دیا تھا, میں جب بھی زندگی میں آپ کو پانی لا دوں, میں نے آپ کے حکم پہ تو عمل کر لیا. تو ہم کہیں گے کہ نہیں, یہ بات آپ کی بات یہاں پہ کیوں صحیح نہیں ہے, کیونکہ لغت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک حکم بھی ہوتا ہے, لیکن اس حکم کے ساتھ ایک فوری ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے.
आप किसी शख्स को कहेंगे मुझे ये दे दो, तो आपका एक तो माना है कि दो भी, लेकिन मुझे अभी भी दो। ये अभी का लफ्ज कहना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इम्प्लाइड होगा। अब ये बात अल्लाह ताला कुरान में जहां पे भी हुक्म देंगे, इम्प्लाइड क्या होगा कि अल्लाह ताला ने यह हुक्म फौरी तौर पर मांगा है, हमेशा ऐसा होगा। अब ये क्या है, एक कायदा है, इजमाली कायदा, जनरल कायदा, कि जहां पे भी हुक्म आएगा वहां पे एक्सपेक्टेशन होगी कि इस हुक्म को फौरी तौर पे बजा लाया जाए। कुछ जगह होंगी जहां पे ये कायदा अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए हमें दलील चाहिए होगी कि ये कायदा क्यों अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो इजमाली कायदा क्या है कि जब हुक्म आएगा तो उसमें यह फौर का मुराद होगा कि भाई फौरी तौर पर यह अमल किया जाए। अगर इस जनरल कायदे से कभी हटना होगा तो उसके लिए कोई और दलील चाहिए होगी। अच्छा, ये बात कि इस अमर के अंदर, हुक्म के अंदर फौर मतलूब है, इसकी भी कोई दलील चाहिए। ये कि किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, तो इसके लिए हो सकता है कहीं शरीयत से हमें दलील मिल जाए, और कहीं पे हो सकता है कि लुगत से हमें दलील मिल जाए कि अहले लुगत ने जब ये बात की है तो उन्होंने ये माना इसके अंदर मुराद ली है। ठीक है, कलिमात क्या होते हैं, कलिमात अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन इन अल्फाबेट्स को, जैसे आपने देखा है कि इन अल्फाबेट्स को जब किसी खास तरीके से कॉइन किया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो उनके अंदर एक खास माना आ जाता है। अब इस माने की क्या दलील है, जरूरी नहीं है, कुरान जो है वो बुक ऑफ लैंग्वेज नहीं है कि वो हमें हर एक एक चीज बताएगी कि जब ये लफ्ज आएगा तो इसका ये मुराद होगी। ये काम किसका है, ये अहले लुगत का है। जैसे आप जो अभी आप दुरुस्तुल लुगा पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जब इन्ना आएगा तो इन्ना के बाद उसका इसम जो है वो मंसूब होगा। अब कुरान में कहा ये कायदा लिखा है कि इन्ना का इसम मंसूब होगा, कहीं नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि कुरान का ये टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, ये रूल हमारे पास आ गया लुगत से, और फिर इसको हमने, अब इन्ना के अंदर ताकीद होती है, ये कहां पे अल्लाह ताला ने लिखा है कि इन्ना जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसका माना ताकीद का होगा? नहीं, ये इन्ना लुगत से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन्ना का जो हर्फ इस्तेमाल होता है उसमें एक ताकीद होती है। अब उसको हम कुरान में जहां पे भी आएगा, अब हम उसका रूल माने कि जहां पे अल्लाह ताला ने ताकीद की है वहां पे अल्लाह ताला की ये मुराद है। ठीक है, तो इजमाली जो जनरल रूल होंगे वो ऐसे होंगे कि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज पे अप्लाई नहीं हो रहे, वो एक जनरल रूल होगा, उस पर मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं और उससे एक नतीजा अखज कर सकते हैं। ठीक है जी, वह कैफियतुल इस्तिफादा, मैंने आपको बता दिया कि कब किस तरह की चीज होगी तो उससे किस तरह का फायदा उठाया जाएगा, और मुस्तफीद के बारे में, यानी वो शख्स जो कि उस इस सारे मामले को देख रहा होगा, ये इल्म उसके बारे में भी होगा। यानी उसूल फिका की किताब में इस चीज पे बात की जाएगी जो कि आगे इंशाल्लाह आएगा, कि मिसाल के तौर पे इज्तिहाद करने वाला या मुज्तहिद, कौन शख्स मुज्तहिद कंसीडर किया जा सकता है, या एक शख्स को किसी मामले में इज्तिहाद करने के लिए उसके पास क्या चीजें मौजूद होना जरूरी है, और क्या चीजें अगर मौजूद ना हो तो किन कंडीशंस में वो फिर भी इज्तिहाद कर सकता है, और कहाँ पे उसका इज्तिहाद जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा या उसको इज्तिहाद से इज्तिनाब करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी तफसील जो है वो इस मौजू के अंदर आती है, इस सब्जेक्ट के अंदर आती है। ठीक है, इसको आगे प्लीज अब रीड करें, यहां तक अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं। ये जी जी जी, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये इजमाली अदिल्ला है और इससे किस तरह फायदा उठाना है, तो इसमें जब इजमाली हम बात करते हैं तो शरीयत में ऐसा नहीं होगा कि एक कायदा सिर्फ नमाज के उसमें, तो मतलब यानी एक खास मामले में अप्लाई हो रहा है और दूसरी जगह पे नहीं। कुछ कवायद ऐसे होंगे जो ओवरलैप करेंगे, ठीक है, वो ओवरलैपिंग आपको हदीस में भी मिल जाएगी, वो ओवरलैपिंग आपको तफसील में भी जाएंगे, तफसीर में जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने हदीस में एक टॉपिक पढ़ा था नस्ख का, ठीक है, नासिख व मनसूख का। नासिख व मनसूख का रूल आपको उसूल फिकह में भी मिलेगा, उसूल तफसीर में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि फिका में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एतिकाद में या अकायद में अप्लाई होंगे ही नहीं। ठीक है, बल्कि फिका का जैसे लुगवी माना है एक फहम का, तो इस एतबार से अकायद में भी जो है एक फहम है, शरीयत की एक मतलूब है, और बल्कि अकीदे के बाब को, जैसे कुछ आपने किताब का भी नाम सुना होगा अल-फिक्हुल अकबर, कि अकीदे को सबसे बड़ा, सबसे बड़ी फिक्ह भी कहा गया है, कि अगर कोई कोई दीन का फहम है, जैसे वो
हदीस कौन सी है, मैं युरिदिल्लाहु बि खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ दीन में खैर का इरादा करता है युफक्किहु फिद्दीन उसको दीन की फकाहत दे देता है। तो क्या दीन की फकाहत से मुराद सिर्फ ये कि उसको ये इबादत और मामला समझ में आते हैं और एतकाद समझ में आता है, ये बात नहीं है। इसी तरह जो रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास गए थे तो क्या उनको मामलात और इबादत समझा रहे थे? नहीं, वहां पे ईमानियात भी समझा रहे थे। तो जी अल्लाहुम्म फ़क़्हु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तावील, क्या अल्लाह ताला इनको दीन में फकाहत दीजिए। तो फिक्ह से मुराद जो है वो अकायद भी आ जाएंगे, तो वो चीजें भी इसमें शामिल हो सकती हैं, तो ये ओवरलैप होगा। लेकिन उसूल फिक्ह की जो किताब होगी उसमें कोई एग्जाम्पल्स के तौर पे या डिस्कशन के तौर पे अकीदे की चीजें नहीं आ रही होंगी। इसमें ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स आ रही होंगी वो फिर फिकी इबादत और मामलात के हवाले से आ रही होंगी, ये एक थोड़ा सा फर्क रखा जाएगा। जी कहीं ना कहीं ये चीजें वहां अप्लाई हो रही होंगी लेकिन यहाँ पे उन पर डिस्कशन नहीं हो रही होगी। दूसरी एक चीज जो कि इस बात से अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह याद भी आ गई किसी हद तक, उसूल फिक्ह में जब भी डिस्कशन होती है तो एग्जाम्पल्स के तौर पर मुख्तलिफ उमूर आते हैं। ठीक है, अब वो जो भी कातिब होते हैं या जो भी फकीर जिन्होंने किताब लिखी होती है जो अपने रूल्स बयान कर रहे होते हैं, हो सकता है कि उनकी उस मामले में राय जो है वो अलग हो, आप उससे एग्री ना कर रहे हो। और ऐसा इस किताब में भी होगा कि कुछ चीजें आएंगी, हो सकता है आपने पहले ना सुनी हो या हम मतलब कहीं पे उनका किसी दूसरी चीज से इख्तलाफ हो रहा हो, तो हमारा मौजू जो है वो उस मसले को डिस्कस करना नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर उसको लेना है। वो मसाइल जो है वो आप हदीस या कुरान में वैसे डिस्कस करते हैं, तो हम इस तरह उन टॉपिक्स की डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि ये एग्जाम्पल प्लीज इस पे बात कर लें कि ये हमने तो इस तरह पढ़ा था या वो हदीस में तो ये आता है। तो यहाँ पे मकसद उस फिकी तफसील में जाना होगा ही नहीं, चाहे वो मसला यानी फिका के एतबार से आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा, हम उससे सर्फ नजर करेंगे यानी उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये बात कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा है तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा मुश्किल लगे आपको इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि इंशाल्लाह उतनी मेहनत करके उतना अल्लाह ताला से हम दर्जात बुलंद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मुश्किल जो है देखें ऐसा होता है आमतौर पर जब भी कोई चीज किसी हद तक थोड़ी नई आती है, न्यू आती है, पुरानी चीजें आसान लगती हैं, जो न्यू चीजें होती हैं वो शुरू शुरू में मुश्किल लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वही आदतन जो है फिर वो आसान हो जाती हैं। तो आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह, आराम आराम से चीजों को लेके चलेंगे और आसान आसान से। ये बुनियादें ऐसी हैं कि इन बुनियादों को जब आप इंशाल्लाह समझ लेंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो आपके लिए आगे बहुत से मामला जो है वो वाजे हो जाएंगे। हाँ, ये जो सवाल होते हैं ना जहन में कि भाई इतने सारे अख्तलाफ आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन सही नहीं है, जब आपको ये रूल्स क्लियर होंगे, उसूल क्लियर होंगे, तो आप खुद अप्लाई कर लेंगे, आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये शख्स यहाँ पे रूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मैं इसकी बात कैसे सुनूं। यानी एक शख्स को अगर यही नहीं पता कि जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तो उस हुक्म के अंदर एक माना इस चीज का होता है और वो इसे कोई और ही माना ले जा रहा है, तो इसकी बात कैसे सुनी जाएगी। ठीक है, तो ये जब रूल्स इंशाल्लाह आपको पता होंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत सारे मामला या कम से कम आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब फुकहा का इख्तलाफ हुआ है तो उस इख्तलाफ की बुनियाद क्या थी, क्यों किसी ने एक मामले में इख्तलाफ किया है और एक ने इख्तलाफ नहीं किया। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि हुक्म के अंदर अमर के अंदर एक फौर का माना होता है, ठीक है, लेकिन आगे जाके इख्तलाफ आ जाता है कि भाई एक शख्स के पास जब पैसे आ गए तो हज उस पर लाजिम हो गया, क्या फौरी तौर पर लाजिम हो गया या उसके लिए जायज है कि वो उसकी ताखीर करे। अगर फौरी तौर पे हुक्म लाजिम आता है तो इसका मतलब है कि जब तक वो हज नहीं करता तब तक वो गुनाहगार है, ठीक है, ये मामला लाजमी तौर पे आएगा। लेकिन अगर आप कह दें कि नहीं उसको एक तराखी यानी उसको इख्तियार है कि वो थोड़ा सा डिले कर ले, तो इसका मतलब है कि जब तक वो डिले कर रहा है तब तक वो गुनाहगार नहीं है। लेकिन ये कब क्लियर होगा, ये जो इख्तलाफ आ गया, एक कहेंगे कि जब आ जाए फौरन उसको करना है और एक कहेंगे नहीं उसके पास इख्तियार है, क्यों, ये इख्तलाफ उस वक्त समझ में आएगा जब ये पता हो कि दोनों जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज से आ रहे हैं कि अमर के अंदर क्या फौर का माना है या फौरन का माना नहीं है। अगर एक शख्स यही कह रहा है कि भाई अमर के अंदर मेरे मुताबिक फौरन का माना होता ही नहीं है, तो फिर वो जो भी मसला निकालेगा उसमें वो फौरन वाली बात को अप्लाई नहीं करेगा, दोनों के रूल ही डिफरेंट हो गया है। और दूसरा जो मानता है कि इसके अंदर फौरन का माना है, वो जहां पे भी अप्लाई करेगा वो कहेगा कि फौरी तौर पर लाजिम है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इस तरह आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है वो
کلیئر ہوتی جائیں گی. مستفید سمجھ میں نہیں آیا ابھی, انشاءاللہ اس کو ریڈ کریں گے تو اور آ جائے گا. معافی چاہتی ہوں اگر آپ ممکن ہو سکے تو آپ ہمیں پہلے بورڈ پر سمجھائیں اصول فقہ جیسے ہم نے. جی انشاءاللہ یہی طریقہ رہے گا. آج جو چیزیں ہیں وہ کیونکہ زیادہ تر ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی تو اس لیے ابھی صرف بک کو ہی کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر چیزیں انشاءاللہ پہلے بورڈ پہ ڈسکس کر لیں گے, اس کے بعد جو ہے اس میں بک میں جو عبارت ہے جو اس کی جو خاص معین جگہ ہے جہاں پہ شیخ صاحب نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو اس کو ہم پھر ریڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر اسی کتاب کو فالو کریں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ اصول فقہ کے اندر اتنے ٹاپکس ہیں, اب انہوں نے کچھ ٹاپکس کو کور کیا ہے کچھ ٹاپکس کو نہیں کور کیا, تو میں ان کی بکس جو چیزیں کور کروں گا انہیں کی بکس میں سے کروں گا تاکہ وہ کلیریفیکیشن کے لیے آسانی رہے. ٹھیک ہے, ورنہ ویسے یہ کوئی اتنی زیادہ اختلافی چیزیں نہیں ہیں, بہت اتفاقی چیزیں, تو آپ ویسے چاہیں تو آپ ان کو بھی پڑھ لیں, کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آگے ریڈ کرنا ہے تھوڑا سا انشاءاللہ. اچھا آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کوشش کیا کرنی ہے کہ جب جو بھی شخص ریڈ کر رہا ہو اگر وہ کہیں پہ غلطی کریں تو اس کم از کم مسٹیک کو اپنے پاس جو ہے ضرور پوائنٹ آؤٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, اپنی بک میں مارک کر لیا کریں تاکہ ایک آپ کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ آپ سامنے والے کو بھی جب انشاءاللہ اگر یہاں پہ مائک صحیح چلنے لگے تو پھر آپ لوگ اس کی بھی کریکشن کر سکیں. دو لوگوں سے مائک آن کی ریکویسٹ کی تھی لیکن وہ مائک آن نہیں کر رہے. اوکے ہو گیا آن. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی یہاں سے پلیز ریڈ کر لیجیے گا. فالمرادی یقولون الاجمالیہ القواعد العامة مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعدة. صحیح, جزاک اللہ خیرا. اب آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے گا کہ میں جب ریڈ کر رہا ہوں تو آپ نے کہاں پہ کچھ چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ریڈ کیا ہو اور کنفیوژن ہو تو بتا دیجئے گا. فل مراد بقولنا, اچھا یہ شیخ صاحب کا طرز کیا ہے کہ شیخ صاحب نے ایک پہلے ایک بات بیان کی, ایک تعریف دی, اب وہ اس تعریف کی ایکسپلینیشن دیں گے کہ ہماری جب ہم نے یہ کہا تو اس سے ہماری کیا کیا مراد ہے. تو جب شیخ صاحب نے کہا الاجمالیہ تو اس سے ہماری مراد کیا ہے الاجمالیہ. فالمراد بقولنا الاجمالیہ القواعد العامہ, عام جو رولز ہیں جنرل جو رولز ہیں. مثل قولہم, مثال کے طور پہ کہنا یعنی ان کا کہنا یعنی کہ اصولیین کا کہنا. الامر للوجوبی, امر کا جب بھی صیغہ آئے گا تو وہ واجب کے لیے آئے گا. والنہی للتحریمی, اور جب نہیں کا صیغہ آئے گا تو وہ کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے آئے گا. والصحۃ تقتضی النفوذ, اور اگر کسی چیز کے بارے میں ہم اس کی یعنی کہیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے یعنی صحتاً صحیح ہے تو اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ اس چیز کو اب نافذ کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی نکاح کے بارے میں کہیں گے کہ یہ نکاح صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب اس نکاح کا نفاذ کیا جائے گا, اس نکاح کے آثار آئیں گے. لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نکاح کے اب آثار نہیں آئیں گے. آثار کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ دو لوگ ساتھ رہ سکتے نہیں رہ سکتے وغیرہ. اب بیع ہوتی ہے, بیع کسی چیز کو کہتے ہیں, ایک شخص ایک چیز بیچ رہا ہے دوسرا شخص ایک چیز خرید رہا ہے. اگر بیع صحیح ہوگی تو بیچنے والے نے چیز بیچ دی, خریدنے والے نے چیز خرید لی, یہ اونرشپ اب ٹرانسفر ہو چکی. لیکن اگر بیع صحیح نہیں تھی تو یہ ٹرانسفر آف اونرشپ نہیں ہوا ہے, بیچنے والے کی چیز ابھی تک اسی کی ہے چاہے دوسرے کے ہاتھ میں جا چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ بیع صحیح نہیں ہے. تو الصحت تقتضی النفوذ, کوئی چیز اگر صحیح ہوگی تو اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ اب وہ نافذ کی جائے. فخرج بہ, اب یہ جو بات ہم نے کہی الاجمالیہ, اب اس کے اس اجمالی کہنے سے کیا چیز نکل گئی؟ الادلہ تفصیلیہ, یعنی یہ علم جو ہے وہ تفصیلی دلائل کے بارے میں بات نہیں کرے گا. فلا تذکروا فی اصول الفقہ, کہ ان کو اصول فقہ میں نہیں ذکر کیا جاتا. الا علی سبیل التمثیل للقاعدتی, سوائے یہ کہ کہیں پہ کسی جگہ پہ مثال بیان کرنے کے لیے قاعدے کی اس تفصیل کو ذکر کر دیا جائے گا, ورنہ اصول فقہ جو ہے وہ تفصیلی ادلہ پہ بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی.
ये जो आपका सवाल है कि ये बुक उर्दू में है, ये सवाल इसका जवाब जो है उर्दू में मिल मतलब आप ट्रांसलेशन इसका हुआ हुआ है मिल सकती है, लेकिन अगर उर्दू में कोशिश करें कि जब कोर्स ख़त्म हो जाए तब पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप अरबी पे जो है वो थोड़ा सा फोकस करते रहें। आखिर में इंशाल्लाह इस्तफादा करने के लिए आप उर्दू भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन अरबी में पढ़ लें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, उर्दू की बुक आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, उर्दू आपको वैसे भी आती है, तो आप अपने वैसे टाइमिंग से भी पढ़ सकते हैं, क्लासेस के बाद भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि जब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो आप अरबी पे ही थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। जी, वल मुरादु बिकौलिना व कैफियतुल इस्तिफादति मिन्हा, कि उससे इस्तिफादा कैसे होगा, इससे क्या मुराद है शेख साहब की, इससे मुराद है कि मारिफतु कैफा यस्तफीदुल अहकामु मिन अदिल्लतिहा, कि अहकाम को किस तरह निकाला जाएगा, बिदिरासति अहकामिल अल्फाजी, कि हम इसमें यह पढ़ेंगे कि अल्फाज जो हैं खास जब कलिमात इस्तेमाल होते हैं तो उसका क्या हुक्म होता है, वह दलालात हुआ कि एक लफ्ज किस तरह का होता है तो वह किस तरह की चीज पे दलालत करता है, मिन उमूमिन, कभी ऐसा होगा एक लफ्ज आम होगा, और मिन खुसूसिन, या कभी खास होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें आदमी आया, एक आदमी आया, इससे क्या मुराद है, मुअय्यन शख्स मुराद है या कोई भी आदमी आया था। मिसाल मैं कहूंगा कि जब एक आदमी आया तो आप चले जाना, अब इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसा इंसान आ जाए जिस पे आदमी का लफ्ज इतलाक हो सकता हो, पॉसिबल हो कि हम उसको आदमी कहें, तो आप चले जाइएगा। अगर कोई औरत आ जाए तो, अब यहां पर फिर डिटेल आएगी कि क्या आदमी का लफ्ज स्पेसिफिकली रजुल खास मुजक्कर के लिए ही मुराद है या आदमी से मुराद औरत भी हो सकती है। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, सीगा मुजक्कर का है लेकिन खिताब में मुअन्नस भी शामिल है, तो क्या ये लफ्ज जो है वो मुजक्कर पे ही अप्लाई होगा या मुअन्नस पे भी अप्लाई हो सकता है, यानी इतना आम है या खास है, या मेरी मुराद एक खास मुअय्यन शख्स है। इस तरह की जो बातें हैं कि कब कलाम में क्या चीज होगी तो वो आम होगी, कब कलाम में क्या चीज होगी तो वो खास होगी, इन चीजों पे जो है ये टॉप ये सब्जेक्ट जो है ये डिस्कस करता है। वह इतलाकिन व तकीदिन, मुतलक माना होता है कि बगैर किसी कंडीशन, मैंने कह दिया मुझे कुर्सी चाहिए, अब आप मुझे एक पैर वाली कुर्सी ला देंगे तब भी वो कुर्सी है, अब आप मुझे जिसके साथ आर्म हो वो वाली कुर्सी ला देंगे तब भी वो कुर्सी है, आप ब्लैक कलर की लेंगे तब भी वो कुर्सी है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे चार पैर वाली 6 फिट की ब्लू रंग की कुर्सी चाहिए, अब कुर्सी तो है वो लेकिन क्या है, कैद के साथ है, कि अब जब तक ये कैद अप्लाई नहीं होगी तब तक आप मेरे हुक्म पे नहीं पूरे उतरे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कहीं पे कह दिया कि इस गुनाह यानी ये जो तुमने गलती की है इसके नतीजे में क्या करो, एक मोमिन की गर्दन आजाद करो। अब ये मोमिन की गर्दन से गर्दन क्या हो गई, कैद के साथ हो गई, कि मोमिन की होनी चाहिए, गैर मोमिन की नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ने किसी जगह पर कह दिया कि एक गर्दन आजाद करो, अब वहां पे बगैर कैद के। ठीक है जी, तो इस तरह इतलाक व तकीद के एतबार से या नासिख व मनसूख के कौन सा हुक्म जो है वो अब अप्लाई हो रहा है, कौन सा हुक्म अप्लाई नहीं होगा, क्या कवायद होते हैं कि कब नस्ख होता है कब नस्ख नहीं होता वगैरह ज़ालिक, और इस तरह के जो मामलात हैं। ठीक है, वल मुराद बिकौलिना व हालुल मुस्तफीद, और जब हमने ये बात कहा कि मुस्तफीद यानी फायदा उठाने वाले का क्या हाल होगा, यानी उस बारे में ये जब ये टॉपिक बात करेगा तो उससे हमारी क्या मुराद है, मारिफतु हालिल मुस्तफीद व हुवल मुज्तहिद, मुस्तफीद से क्या मुराद, मुज्तहिद, वो शख्स जो इज्तिहाद करेगा, और फिर ये डिटेल्स आएंगी कि इज्तिहाद से क्या मुराद वगैरह, सुमिया मुस्तफीदन, क्यों उसको मुस्तफीद कहा जा रहा है, क्योंकि वो फायदा उठाता है बिनफ्सी, खुद खुद फायदा उठाता है, कहां से फायदा उठाता है, इन अहकाम से। ठीक है, इन अहकाम से वो फायदा उठा रहा है, क्यों उठा सकता है, क्योंकि वो इज्तिहाद के मर्तबे तक पहुंच चुका है, लिबुलूगी मर्तबतल इज्तिहादी, वो पहुंच चुका है इज्तिहाद के मर्तबे तक। अब ये कैसे पता चलेगा वो इज्तिहाद के मर्तबे तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये सब्जेक्ट किस चीज के बारे में भी बात करेगा, शुरूतुल इज्तिहाद के बारे में भी बात करेगा कि इज्तिहाद की शराइत क्या है, अगर आप पे वो शराइत लागू होती हैं तो आप मुज्तहिद के दर्जे तक पहुंच चुके हैं, अगर वो शराइत नहीं पूरी होती, वो कंडीशंस आप नहीं पूरी करते तो इसका मतलब है आप मुज्तहिद नहीं है, अगर आप मुज्तहिद नहीं है तो आप ये वाले काम नहीं कर सकते। वहुक्म व नहवी ज़ालिका यबहसुफी उसूल फिक्ह। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें हो गई, एक अदिल्ला इजमालिया पे बात होगी, दूसरी
इनसे इस्तेफादा कैसे करना है, फायदा कैसे उठाना है, इनमें से किस तरह की चीजों को अखज करना है, और फायदा उठाने वाला जो शख्स है वो उसके उसके हवाले से भी ये सब्जेक्ट जो है वो बात करेगा। किसकी? दिरासा यानी पढ़ना, तदरीस यानी ठीक है, ठीक है। अब आप में से कोई यहां से प्लीज इस इबारत को पढ़ ले, फायदतु उसूल फिकही, और ये बिल्कुल आसान इबारत है, इसका आप खुद ही तर्जुमा करिएगा प्लीज। जी पढ़ लें प्लीज, जोर से पढ़ लें इतना कि मुझे आवाज आ जाए इंशाल्लाह। फायदतु उसूल फिकही, मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह एक थोड़ा सा सेटअप सही हो जाए तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इनको कह दूंगा कि हमारे माइक्स तैयार रखें, और फिर क्लास में जो रीडिंग्स हुआ करेंगी ऑनलाइन वालों के लिए नहीं ऑन साइट वालों के लिए, उसके हम जो है फिर वो कुछ मार्क्स भी रख देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन ज्यादा आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी, फायदा तो उसूल जितना आप लोग पढ़ेंगे इतना आप लोगों को फायदा होगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे आप लोगों को आगे जाके नुकसान इंशाल्लाह महसूस होगा। नजर बुक आज कोई मसला नहीं, आप किताब ले लीजिएगा, ये स्क्रीन का तो अब इसके वजूद का कोई फायदा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे नजर आ रहा है ना मुझे पता नहीं किसी और को समझ में आ रहा है। जी फायदा तो उसूल फिक, फायदा उसूल फिक, चलें ठीक है ऐसा कर ले मैं पढ़ लेता हूँ आप तर्जुमा करें। फायदा तो उसूल फिक, उसूल फिक का क्या फायदा, नहीं इस मजमून का क्या फायदा, इन उसूल फिक ही علم جلیل القدر بالغ الاهمیت غزیر الفائدۃ, بے شک اصول فقہ ایک علم ہے جلیل القدر, جلیل القدر بہت مرتبے والا, بہت بڑے مرتبے والا, اس کی قدر ہے, بالغ الاهمیہ, اہمیہ اردو میں بھی کہتے ہیں اہمیت, بالغ الاهمیہ یعنی اہمیت میں وہ بہت بڑے درجے تک پہنچا ہوا ہے, غزیر الفائدہ, غزیر بمعنی کثیر, कसीर फायदे वाला, और इसका फायदा क्या है, फायदतुहु अत्तमक्कुनु मिन हुसूलि कुदरतिन, यानी तमक्कुन कहते हैं कुदरत, सही, एक कुदरत को हासिल कर लेना यानी कादिर हो जाना किसी चीज पे, तमक्कुन किसी चीज पे कुदरत ले लेना या ऐसा हो जाना, ठीक है, यस्तिउ बिहा इस्तिखराजल अहकाम शरईया, यानी एक ऐसी कुदरत को हासिल कर लेना जिसके जरिए आपकी अंदर एक इस्तेताअत पैदा हो जाए, आपके अंदर एक कैपेसिटी पैदा हो जाए, किस चीज की कैपेसिटी, इस्तिखराज अल अहकाम, इस्तिखराज का क्या माना होगा, निकालना, खारिज करना, ठीक है, किसी किसी मामले के अंदर से उसके अल अहकाम शरिया को निकालना कि जब शरीयत ने ये बात इस तरह कही है तो इसमें से क्या हुक्म शरिया हम निकाल सकते हैं, मिन अदिल्लतिहा उसके दलाइल में से, अला उससिन सलीमतिन, उसस जमु किसकी जमा है, उसस किसकी जमा है, असासुन की जमा बुनियाद, सलीमा जैसे अल्लाह ताला ने क्या कहा, इल्ला मन जाअ बिकल्बिन सलीमिन, ठीक है कि सही बुनियादों पे, ठीक है, जब आपको रूल पता होगा कि किस तरह रूल किस चीज पे अप्लाई होता है तो फिर आप कोई आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई हदीस पढ़ेंगे तो आप उससे शरई अहकाम अखज कर सकते हैं, जैसे आपने पिछले साल आपने या अभी भी आप लोगों के साथ होगा कि शेख कोई हदीस पढ़ते हैं और फिर बयान करते हैं कि इसमें से क्या क्या फवायद निकल सकते हैं, क्या क्या मसाइल निकल सकते हैं, तो वो किस तरह मुमकिन होता है, जो शारे होते हैं वो किस तरह कर रहे होते हैं, वो इन्हीं उसूल कवायद की बुनियाद पर कह रहे होते हैं कि जब शरीयत ने इस तरह की बात की है तो उससे हम ये मसाइल अखज कर सकते हैं, तो वो इसकी बात करें वजू के मुताले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किस तरह पहचानेंगे, सही सही, ठीक है बिल्कुल सही बात है, व अव्वलु मन जमाअहु कफन्निन मुस्तकिलिन, अव्वलु मन जमाअहु वो पहला शख्स जिसने के इसको जमा किया है एक मुस्तकिल फन के तौर पे, मुस्तकिल फन जिस तरह मैंने कल बताया था कि ये चीजें पहले से शरीयत में मौजूद थी लेकिन उनको अलग अलग करके
एक जगह पे जमा करना और उसके बारे में बयान करना, अल इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस रहिमहुल्लाह, इमाम शाफी जिनका असल नाम जो है मोहम्मद बिन इदरीस रहिमहुल्लाह, सुम्मा ताबअहुल उलमा फी ज़ालिक, उसके बाद मुख्तलिफ उलमा ने उनकी मुताबियत की यानी उनको फॉलो किया, फअल्लफू फीह तालीफ अलमुतनव्वा, फअल्लफू अल्लफा युअल्लिफु तालीफ, जैसे आपने किताब में लिखा होगा लिखा होता है अलमुअल्लिफ ऑथर, तो अल्लफा युअल्लिफु का माना होता है तालीफ करना यानी किताब लिखना, तो फअल्लफु फी फिर लिखी इसमें यानी कि इस फन में तालीफ मुतनव्वा, मुतनव्वा का माना मुतनव्वा के अंदर हुरूफ असलिया क्या है, नहीं मुतनव्वा के अंदर हुरूफ असलिया क्या है पहले ही बताएं, ता नून आइन, तो फिर वाओ क्या कर रहा है, ये बाब कौन सा है, मुफा, तो फिर वाओ क्या कहां से आएगा, मुतनव्वा मुतफाइला, तफाअला या तफाअलु, ये ता जो है वो वजन का है, तो नून वाओ और आइन, ठीक है नून वाओ और आइन, नौ नौ अनवा किस्म, ठीक है मुतनव्वा मुख्तलिफा, ठीक है मुतअद्दिदा यानी कि उन्होंने लिखी मुख्तलिफ नौ की मुख्तलिफ अकसाम की कुतुब, मा बैना मंसूरिन व मंजूमिन, मंजूम किसको कहते हैं, नज़म को, यानी कुछ ने किताब लिखी नज़म के तौर पे, यानी उन्होंने अशार की फॉर्म में लिखी, और नज़म का ऑपोजिट होता है नसर, यानी कि उन्होंने पैराग्राफ या जिस तरह आमतौर पर किताबें लिखी जाती हैं, तो कुछ ने मंसूर की फॉर्म में लिखी, कुछ ने मंजूम की फॉर्म में लिखी, व मुख्तसरिन, किसी ने इख्तिसार के साथ लिखी, किसी ने मबसूत बसीत का माना बस फैली हुई, ठीक है यानी कि लंबी लंबी, सही हत्ता सौरा फन्नन मुस्तकिलन, यहां तक के ये हो गया एक मुस्तकिल फन, लहू कियानुहु व मुमय्यिज़ातुहु, यानी कि इसका एक वजूद हो गया और इसके कुछ खवास हो गए, कुछ चीजें हो गई जिससे इसकी पहचान हो गई, ठीक है कि अब आप जैसे हमारा भी ये कोर्स है तो उसमें उसूल फिक को बकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, इस तरह आप किसी भी मदरसे में चले जाएं कहीं पे भी चले जाएं तो उसूल फिक को बकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, इसमें कुतुब हैं, इसके माहिरीन हैं, कुछ उलमा हैं जो इस फन में महारत रखते हैं, वो इस पर ज्यादा कलाम करते हैं वगैरह, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था यानी बेसिकली एक तमहीदी है यानी इस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन, तो वो आज कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब जो आपके सवाल हैं या अब जो आपके ये जो ऑनलाइन खास कर जो रिपीटेशन वाली बातें हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग उस वर्ड का क्या मीनिंग, वो आप सुकून से बता सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर आप ये करेंगे मुझे बताने में कोई मसला नहीं है, एक एक शख्स भी बार बार बोलेगा मैं बार बार ही बता दूंगा, सिर्फ नुकसान बाकी आप सबको होगा कि हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ नहीं सकेगा। और ये किसी भी उस्ताद के साथ आप करेंगे कि शेख तर्जुमा रिपीट कर दें या इस वर्ड का क्या मतलब था, तो ये उस्ताद को बताने में तो हमेशा फायदा ही होगा, उसका सवाब बढ़ता ही रहेगा, आपको नुकसान ये होगा कि आपका सिलेबस जो है वो पीछे रहता रहेगा। ऑनलाइन वालों के पास खास कर एक ये फायदा है कि या तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं या फिर आप लोग, जितना मुझे पता है कि आप में से अक्सर जो है वो आपस में क्लास में ग्रुप्स में हैं, तो आप एक दूसरे से पूछ लिया करें, बाद में पूछ लिया करें, किताब में मार्क कर लिया आपने बाद में पूछ लिया, तो आपके लिए भी इसमें फायदा है इंशाल्लाह, और उस्ताद को भी फायदा है, इस तरह कि उस्ताद एक चीज पर फोकस कर सकता है, बीच में सवाल है इस चीज को रिपीट कर दें इस चीज को रिपीट कर दें, कहीं ना कहीं उस्ताद का जो है वो चेन ऑफ थॉट जो है उसमें ब्रेक होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इस चीज का आप मेरे साथ तो मुझे इतना मसला नहीं है, लेकिन बाकी जो असातिज़ा हैं जो सीनियर असातिज़ा हैं उनके साथ अगर आप इस चीज का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल करें कि तर्जुमे की रिपीटेशन वगैरह, देखिए तर्जुमा ही अगर आपको मकसूद है तो आपको तकरीबन हर किताब तर्जुमे के साथ मिल जाएगी, हदीस भी आपको तर्जुमे के साथ मिल जाएगी, कुरान का तर्जुमा वैसे ही एग्जिस्ट करता है, जो मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ उसका ही मैंने आपको का तर्जुमा मिल जाएगा, और कौन सी आपकी किताबें हैं, दुरूस लुगा भी आपको तर्जुमे के साथ इंशाल्लाह में नसाई हदीस की सारी किताबें तर्जुमे के साथ मिल जाती हैं, तर्जुमा कोई मसले की बात नहीं है, बात को समझना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने अंदर ये कैपेसिटी पैदा करना कि किस तरह आप तर्जुमा खुद भी कर सकें, डिक्शनरी आप लें, डिक्शनरी में आप ये वर्ड लिखेंगे, एप्स होती हैं आपने लिखा वो वर्ड का तर्जुमा आ जाएगा, वो कोई मसले की बात नहीं होती, ठीक है जी। जी आपका कोई सवाल था या जी जी
ठीक है ठीक है। जो चीजें नोट्स की फॉर्म में बनानी होंगी वो आप, मैं कुछ चीजें तो लिख भी दूंगा तो उसको आप उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं कोई भी, बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जो किताब से खारिज जो है मैं बता रहा हूंगा। किताब में जो चीजें होंगी मैं एग्जाम या जो भी हमारा वो होगा वो किताब के अंदर जो चीज मौजूद है ज्यादातर उसी में से होगा। अगर कोई चीज मुझे अलग से आपको बतानी होगी तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये चीज जो है ये फिर इसको अलग से देख लें। अदरवाइज देखें हमारा जो मकसद है वो एक मकसद है कि आपके अंदर एक वो फहम पैदा हो, लेकिन उस फहम के साथ साथ किताब से इस्तेफादा करने की सलाहियत भी पैदा हो। ये जो अक्सर ऐसा होता है कि किताब पूरी नहीं कवर होती, इसमें कोई हमेशा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि उस्ताद का काम आपको किताब पढ़ाने से ज्यादा किताब को पढ़ने का तरीका समझाना होता है। उस्ताद को ये समझ में आ जाए कि भाई ये तालिबे हैं, देखिए जिंदगी भर तो आपके पीछे कोई नहीं भागेगा ना, आपके उस्ताद आपके पीछे नहीं कि भाई बताओ तुमने ये किताब पढ़ी इससे क्या मतलब हासिल किया। उस असातिज़ा का काम ये होता है कि बस एक तरीका समझा देना, तरीका बता देना कि भाई इसको इस तरीके से किया जाता है, आगे आपने ये दरिया ये समंदर खुद पार करने है। तो जो अब जैसे मैंने यहां से ये जो उसूल फिका की जहां से तारीफ है यहां से पूरा के पूरा जो है मैंने रीड किया है, रीड मतलब तकरीबन आपको हर चीज समझाई है। अब आप कोशिश करके इस इबारत को एक बार वापस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें से अब आपने सुना है चीजों को, जो चीजें सुनी है इजमाली तफसीली का आपने फर्क सुना, कहीं पे ऐसा होता है आपने अपने एग्जाम्पल आपने खुद अपने वर्ड्स में लिख ली, ठीक है। ज्यादा मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है, मुझे नहीं पता दूसरों की इसमें क्या प्रेफरेंस है, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं जिस किताब में पढ़ता हूँ मैं उसी किताब में जो है वो लिखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। कि किताब, अब जैसे मेरे पास ये किताब भी है तो इसी में मैंने साथ साथ कोई अगर नोट भी लिखा है कोई एडिशन, क्योंकि ये जो रजिस्टर्स होते हैं मेरे पास भी कुछ रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो रजिस्टर फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कबर्ड के पीछे वाले हिस्से जाते रहते हैं, या फिर जब निकालने की बारी आती है तो रजिस्टर बुक्स जो है वो आम तौर पे आपके साथ रहती हैं। आपको पता है अब आपने एक रजिस्टर में मिसाल के तौर पे सेकेंड ईयर के 5 सब्जेक्ट्स थे उनके लिए एक रजिस्टर तो बना लिया, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा तो अब आप रजिस्टर ढूंढते फिरेंगे वो रजिस्टर, फिर उसमें मैंने 5 सब्जेक्ट्स थे उसमें। किताब का फायदा है आपको पता है कि मेरी किताब कौन सी है, इस किताब में ये पढ़ा था और किताब के साथ ही आपने किताब, तो आप किताब में ही अगर चीजों को नोट करें कोई एग्जांपल आ रही है, ज्यादातर जो बातें होंगी वो इसी चीज की सिर्फ एक मेरी तरफ से कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में उसको एक्सप्लेनेशन दे दूं। अभी जो आपको चीज मुश्किल लगी है यानी जो कुछ मैसेज आ रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है, वो मुश्किल की वजह ये कि अभी तक कोई चीज हमने पढ़ी नहीं है टेक्निकली, हमने सिर्फ ये देखा है कि इस टॉपिक इस सब्जेक्ट में चीजें क्या क्या आएंगी, फिर वो इन एक एक चीज की जब तफसील आएगी एग्जाम्पल्स आएंगी तो आपको इंशाल्लाह खुद ही क्लियर होगा। और ये शेख साहब का मनहज भी किताब में इसी तरह है, वो एक चीज बयान करते हैं फिर उसकी खुद ही एक्सप्लेनेशन देंगे कि इससे मेरी क्या मुराद है, इसकी क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप साथ साथ बुक रीड करें ताकि आप खुद ये सलाहियत पाए कि आपको इंशाल्लाह आगे और दूसरी चीजों के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इल्ला कि कुछ चीजें आप साथ साथ नोट कर लें। कुछ चीज अगर आप चाहें कि नोट करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है आप मुझे बता दें, वहां पे हम रुक भी सकते हैं। सब्जेक्ट आप लोगों का है, जितना आप लोगों ने पढ़ना आप लोगों की मर्जी है, तो जैसे आप बेहतर समझें फिर ठीक है। उसूलुल फिक्ह बेसिकली शरी उलूम की या शरी फुनून की एक ब्रांच है जिसका कंसर्न होता है फिकी मामलात को समझने के लिए जो रूल्स चाहिए वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स कैसे ड्राइव किए जाते हैं, और उन रूल्स को समझने वाली शख्सियत कौन होगी कि जो इन रूल्स को फिर आगे अप्लाई कर सके, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि आपको जाना है कराची से लाहौर, ठीक है। अब आप प्लेन के जरिए भी जा सकते हैं, ड्राइविंग के जरिए भी जा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप चूज करते हैं कि मुझे ड्राइव करना है कराची से लाहौर, तो अब आपको गाड़ी चलाना अगर नहीं आती तो आप ट्रेनिंग किस चीज की लेंगे कि गाड़ी कैसे चलानी है, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाने सीखने के लिए जाएंगे तो वो इंस्ट्रक्टर आपको किस चीज के बारे में सिखाएगा कि गाड़ी की क्या चीज क्या करती है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि जब आप गुलशन जौहर से निकलेंगे तो आप सोराब गोट पे जाके ब्रेक दबाइएगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा। वो आपको क्या बोलेगा कि ये गाड़ी के ये औजार हैं, ये इसके टूल्स हैं, ये वाला ये चीज करता है, ये वाला ये चीज करता है।
अब आपने जो अपना सफर करना है उसमें जहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको डिटरमिन करना है कि मुझे कहां पे रेस दबानी है, कहां पे ब्रेक दबाना है, कहां पे लाइट्स ऑन करनी है, कहां पे ऑफ करनी है। आपको ये पता है कि लाइट्स का मकसद क्या होता है, लाइट्स ऑन किस तरह की जाती हैं। तो ये फन जो है वो ये रूल्स देता है जिसकी बुनियाद पे फिर आगे फिकी मामलात को आप डिटरमिन कर सकते हैं। दो लोग हैं वो आपस में निकाह करना चाहते हैं, ठीक है, दोनों की नीयत है कि हम अपने रब को राजी करें और दोनों इस बात पे एग्री हैं कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं और वो भी राजी हैं कि वो मुझसे निकाह करना चाह रही है। तो क्या हम दोनों एक कमरे में बैठ के अल्लाह ताला को गवाह बना के निकाह कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कैसे पता चला हमें कि हम ऐसे नहीं कर सकते? हम तो निकाह करना चाह रहे हैं, हम अल्लाह ताला को राजी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्यों इस तरह नहीं कर सकते? इसको पता करने के लिए कि इस हवाले से शरीयत ने क्या रूलिंग्स दी हैं, आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए भाई शरीयत क्या कहेगी तो मैं इससे ये माना समझूंगा। अल्लाह ताला कब कोई बात कहेंगे, किस तरह कहेंगे, तो उससे ये मुराद समझी जाएगी। ये जो रूल है उसूल फिक्र, इन उसूल इन रूल्स के बारे में बताता है ताकि आगे उस पर फिका की बुनियाद या इमारत खड़ी की जा सके, ठीक है। ये जो आप निसाई पढ़ रहे हैं, निसाई में इमाम निसाई ने एक बाब बांधा है, वो बाब किस तरह उन्होंने हदीस से ये चीज अखज की है उसका कोई ना कोई रूल तो होगा ना। अपनी मर्जी तो नहीं ना इमाम निसाई को जो दिल चाहा उन्होंने कर लिया, इमाम बुखारी को जो दिल चाहा, ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स थे जो जिन रूल्स की बुनियाद पे उम्मत ने उनकी बात को कबूल किया या रिजेक्ट भी किया है। किसी जगह पे कहा कि भाई इनसे ये गलती हुई है, गलती क्यों है, क्योंकि उन्होंने एक शरीयत के एक रूल की खिलाफ वर्जी की है। वो शरीयत का रूल क्या था वो ये टॉपिक बताएगा, ठीक है, कि फिका के हवाले से आपको क्या रूल्स बताने चाहिए, इस सब्जेक्ट का मकसद ये है। फिर आप जब फिका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मिसाल के तौर पर नमाज में हम क्या क्या करते हैं, हम शुरू में तकबीर कहते हैं, फिर क्या करते हैं, सना पढ़ते हैं, ठीक है। क्या एक शख्स तकबीर ना करे, सना डायरेक्ट पढ़ ले तो उसकी नमाज स्टार्ट हो चुकी है या नहीं स्टार्ट हुई है? कैसे पता चला है? आप क्या बोलते हैं, वुजू करते वक्त कुली करना क्या जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। अल्लाह ताला तो कुरान में कहते हैं इज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को धो। अल्लाह ताला ने कुल्ली का तो जिक्र नहीं किया। फिर दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने पहले क्या कहा, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, पहले क्या करो, वुजूहकुम, पहले अपने चेहरे को धो। आप तो पहले हाथ धोते हैं तो आप हाथ क्यों धोते हैं पहले? तो अल्लाह, तो किस तरह पता चलेगा कि कुल्ली जो है वो भी करनी जरूरी है, या अगर दूसरा शख्स कह सकते हैं कुल्ली करना जरूरी नहीं, भी अल्लाह ताला ने कहा नहीं है, वो भी बुनियाद आयत को बना रहा है, आप भी किसी शरी नस को बुनियाद बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ आ सकता है। लेकिन ये इख्तलाफ किस वजह से आया था, उसके पीछे जो रूल है वो जब पता चल जाएगा तो आप डिटर्मिन कर सकेंगे कि हाँ भाई किसकी बात में कितना वजन है इंशाल्लाह, ठीक है जी। कियान देखें आप कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये कियानुहु जो है वो एक वर्ड नहीं है, कियानुहु जो है ये दो वर्ड्स हैं। किस तरह ये दो वर्ड्स हैं, कियानुहु कियान अलग वर्ड है, हा क्या है, जमीर है। इसी तरह मुमय्यिज़ातुहु, मुमय्यिज़ात अलग चीज है, हा जमीर अलग चीज है। और मुमय्यिज़ात जो है वो कौन सा वजन है, इसके आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ्ता, अलिफ्ता किस चीज की अलामत है, जमा मोनस की। इसको अगर आप हटा दें तो वर्ड क्या रह गया, मुमय्यिज। अब आप पूछें कि मुमय्यिज का क्या माना होता है, क्योंकि मुमय्यिजात तक तो आप पहुंच सकते हैं, मुमय्यिजात हु तक भी आप पहुंच सकते हैं। आप पूछिए मुमय्यिज का क्या माना है, मुमय्यिज जिस चीज से उसकी तमीज होती है, उसका फर्क होता है, उसको अलग से पहचाना जाता है, ठीक है। कियान जो है वो एक कौल के मुताबिक काना यकूनु का मजदर है, कौन, और दूसरा कियान, ठीक है, या इसको वजूद के माने में लिया गया कि उसका एक अपना वजूद है, मुस्तकिल, उसका अपना होना है, यानी होने का जो वर्ड है कि एक चीज है तो अब उसका एक वजूद है, वो मौजूद है, ठीक है जी। उसूल फिक्र का न्यू तबा मिल नहीं रहा, ये वाले नहीं परचेज कर जी, तबा से मुझे खास इतना वो नहीं है, कोई थोड़ा बहुत तफसील भी हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे हम रुक रहे हैं इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो चीजें आपको जिसको मुश्किल लग रही है, आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप उस मुश्किल को मुश्किल समझ के आसान करने की मेहनत करें, या फिर आप जो दिल चाहे करें, मैं तो कुछ नहीं कह सकता आपको। हम इसलिए हाजिर हैं आपके पास कि इस मुश्किल को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके आसान किया जाए,
और रास्ते पे चल के ही चीजें आसान होती हैं। तो इंशाल्लाह इस मेहनत को जारी रखें, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसान करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।